वेरी गुड इवनिंग अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं सर आप लोग उम्मीद कराऊँ आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे वेलकम टू दी अनादर इवनिंग जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर वन में है टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं टेक्निकली दो अलग अलग चैप्टर को एक साथ पढ़ रहे हैं एक नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन एक ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हम एक साथ पढ़ रहे हैं

आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अदर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम की तो एक बार मेरे साथ वापस चलिए कौन कौन से अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स थे चलो एक बार मेरे साथ वापस चलो आपको अगर याद हो तो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम थे 115 बी ए सी बी ए ए बी ए बी बी ए डी बी ए ई एस वनो तो अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट के ऊपर अब हम लोग चल रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ठीक है अब हम लोग चल रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कंपनीज जो है ये सबसे लास्ट में लूंगा मैं तो कोऑपरेटिव सोसायटी का पहले हम लोग कुछ रिविजन कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के चलता हूं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरल टैक्स सिस्टम क्या था आप याद करो पहले टेन थाउजेंड पे टेन परसेंट नेक्स्ट टेन थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट एंड द बैलेंस थर्टी परसेंट यस उसके ऊपर सरचार्ज रेट क्या था जल्दी से बताओ <clears throat> उसके ऊपर अपना सरचार्ज रेट वॉज सेवन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट और इसके बाद हमारा एच ई सी था फोर परसेंट ये सॉर्टेड है अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या किया गया सबसे पहले ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेकर के आया पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट नंबर वन ये सिर्फ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लेके आया ठीक है सो so, पहले रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ऑप्शन लेकर के आया ऑप्शन ला करके बोला दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनके ऊपर एवरेज टैक्स रेट तीस आता है इसको रिड्यूस किया गया राइट right? कोऑपरेटिव्स को ये बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है पहले समझिए दैट हैज गॉट अ वेरी गुड लॉजिक देखिए ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स चालू हुए थे और बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना विच मीनस टू प्रोवाइड अ बेनिफिट टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ पीपल हु आर नॉट जनरली रेगुलेटेड ये उन लोगों के लिए था जो रेगुलेटेड नहीं है उन लोगों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के थ्रू क्या किया गया बेनिफिट्स लाए गए इनकम टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आज तक सिर्फ एक बेनिफिट है वो है सेक्शन एटी पी कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर्टन इनकम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स, 100% का डिडक्शन मिला है और है ATP, है और एक पूरा चैप्टर टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखेंगे। Further, क्या आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को यू नो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है स्टोर जिसको मैं स्टोर भी बोल पाऊंगा उनके लिए एक लाख तक के आपको क्या प्रोवाइडेड है बेनिफिट प्रोवाइडेड है नाउ अगर हम देखें तो 115 एंड ने ला करके क्या किया कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्सेस कम किए रीजन क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव एज ए ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं रहे अगर हम एक डिकेड की बात करें पूरे दस साल के डिकेड की बात करें तो हो ये रहा था बना करके इसके अंदर में भयानक फ्रॉड किए जाते थे आप देख सकते हैं मेनी कोऑपरेटिव टू एग्जिस्ट मैगजिम ऑफ देम डिक्लेयर्ड स्कैम और फ्रॉड एंड पॉलिटिशियन यूज टू कंट्रोल द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन देयर ओन फैशन यस स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक इसके बाद में अगर हम बात करें इसके अगर, आ, बाद में अगर हम बात करें फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गया राइट right? इनके लिए जो कोऑपरेटिव्स थे वो बहुत कम थे तो इन ऑर्डर टू बूस्ट अगेन द कोऑपरेटिव सिस्टम लेकर क्या, क्या? क्या? के लिए, ले क्या गई. इससे फायदा किसको होगा गांव के अंदर में आज भी जहाँ पे छोटे छोटे कोऑपरेटिव है जहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है और कोऑपरेटिव सिस्टम वर्क कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्टन क्लास और क्लासेस ऑफ पीपल इनको इसका बेनिफिट बहुत बड़ा मिल जाएगा टैक्सेशन के थ्रो अब इनके लिए टैक्स सिस्टम क्या लेकर क्या है? जो रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनके लिए टैक्स रेट लेकर के आ गए ट्वेंटी टू परसेंट पे कितने परसेंट पे बोलो जल्दी से ट्वेंटी टू परसेंट इनके लिए लेकर क्या ट्वेंटी टू परसेंट का टैक्स ये देख अगर तू देखेगा तेरे नोट्स में पेज नंबर सिक्सटीन पे दिखेगा तेरे को यह है तेरा नॉर्मल टैक्स रेट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बराबर है 115 एंड में इनने क्या किया 22 परसेंट का टैक्स रेट लेकर के आया 22 परसेंट का टैक्स रेट प्लस अ मैंडेटरी सरचार्ज ऑफ 10 परसेंट प्लस अ मैंडेटरी सरचार्ज ऑफ 10 परसेंट ये 10 परसेंट का मैंडेटरी सरचार्ज फर्स्ट रुपीज से लागू होगा अनलाइक जो आपका रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम था वैसा नहीं ये टेन का सरचार्ज एक से लागू होगा प्लस फोर परसेंट का एच तो है ही तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इफेक्टिव टैक्स रेट बन गया ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट कंसिडर अगर किया जाए विद रेगुलर टैक्स सिस्टम तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था क्योंकि जहां यू नो ट्वेंटी थर्टी वन थाउजेंड रुपीज से या ट्वेंटी वन

रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैजप्शन टू पे टैक्स एज पर दू स्कीम क्लियर है आइए जरा देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया शेल पे ट्वेंटी टू परसेंट प्लस अ सरचार्ज टेन परसेंट विच इज मैंडेटरी प्लस अ एच ईसी फोर परसेंट कितना हो गया इन टोटल ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट ठीक है पेज नंबर 11 25.168% परसेंट आपका टोटल आता है यस दूसरा दूसरा ये डिडक्शन क्लेम करने से पहले उन्हें क्या करना है ऑप्ट करना था लेकिन आपको याद दिला दूं असेसमेंट ईयर 24 25 से अब ऑप्ट करने का काम है ही नहीं यही डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में जाना है तो उनको क्या करना है ऑप्ट करना है ऑप्ट कब करना होता था रिटर्न के टाइम पे यस और नो का ऑप्शन के पास अवेलेबल होता था पॉइंट नोटेड, अनलाइक जैसे वो एक बार तो भी बिजनेस के केस में बिल्कुल विड्रॉल पॉसिबल नहीं है आप एक बार स्कीम में आ गए आपको इसी स्कीम के अंदर में रहना है विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल सो ऑप्शन ऑप्शन और बात बता दूं

एच आर एव ट्रैवल टेन फोर्टीन टेन फोर्टीन वाले जो चिल्लर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ऑल एंड फूड एंड बेवरेजेस यस आई गेस हमने टेन फोर्टीन उस लिस्ट के अंदर में नहीं लिखा है बट वो भी एक है बराबर है वो भी एक है टेन फोर्टीन वाली जो चिल्लर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस वो भी छोड़नी है तो वो एक लिखिएगा दूसरा एच पी एक काम करो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी में पहले चल जाओ वहाँ पे अलाउंसेज अंडर सेक्शन टेन फोर्टीन भी डाल दो सैलरी में यहां ये यहां एच आर ए के बाजू ऑब्लिक कर सकते हो ऑब्लिक अलाउंस अंडर सेक्शन टेन फोर्टीन चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रंस होस्टल अलाउंस वो वाले बराबर है चलो एच पी में आईओबीसी पी जी पी, पी में पांच याद करके देख एडिशनल एप्रीसी स्पेसिफाइड बिजनेस थर्टी फाइव ट्रिपल सी थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए सेक्शन थर्टी फाइव क्लियर कैपिटल गेन नो लॉस आई एफ ओ एस में फैमिली पेंशन अब मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ सैलरी आ सकती है सैलरी के सब बाजू कर दो एच पी आई ओ बी सी आ सकता है जनरली आंसर इज नो बिकॉज उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग तो एचपी का भी नहीं आता उसको भी बाजू कर दो यह सुनो जनरली एचपी का नहीं आता उसको भी आप क्या करो बाजू कर दो पीजीबीपी के सारे डिडक्शन एज इट इज कॉमन रख लो स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं लेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नहीं लेंगे थर्टी टू ए डी नहीं लेंगे थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री रिसर्च नहीं लेंगे कैपिटल गेन में तो आता ही नहीं आईएफओएस का फैमिली पेंशन भी आता नहीं तो फैमिली पेंशन भी पिक्चर से गायब करो मैं तुम्हारा माइंड मैप कर रहा हूँ जरा समझना उस पूरी लिस्ट में जो इंडिविजुअल के लिए बनाई थी उसमें सैलरी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आती ही नहीं तो वो बाजू कर दो एचपी आता नहीं बाजू कर दो पीजीबीपी आएगा कैपिटल गेन आता ही नहीं आई एफ ओ एस में सिर्फ फैमिली पेंशन वाला पार्ट था वो भी हटा दो क्योंकि कोऑपरेटिव्स को फैमिली पेंशन मिलता ही नहीं फिर फिर याद करके देखो एग्जामिशंस आते हैं इनको उसकी लिस्ट रहेगी एग्जामिशन में भी माइनर्स इनकम क्लबिंग नहीं आएगा सोच के देखना क्योंकि इनका माइनर्स का कोई काम ही नहीं है तो टेन डबल ए वाला सीरीज आएगा बराबर है डेली अलाउंस वाला सीरीज आएगा एम पी एम एल बट वो भी नहीं आएगा तो टेन डबल एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स पॉइंट रहेगा यहां पे एक्सेप्ट एट्टी जे जे ए ए क्योंकि जे जे ए कोटिव को, को मिलता है समझ में आई बात यानी बाकी भी एज इट इज लिस्ट पूरी की पूरी आ जाएगी आइए फिर भी समझाता हूं अगर नहीं भी समझ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट आपको ये रेट मिल जाएगा हाँ जी हम्म बिल्कुल आ सकता है हमने बोला जनरली नहीं आएगा क्योंकि आप उस प्रमाइसिस को फिर बिजनेस प्रोमाइसिस दिखाते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं। हाँ तो एक प्रॉपर्टी वो आप बिजनेस प्रीमाइसिस दिखाओगे ना सेल्फ ऑक्यूपेंसी थोड़ी ना दिखाओगे सेल्फ ऑक्यूपेंसी में नहीं दिखा पाओगे आप उसको अंडरस्टैंड क्योंकि एचपी का जो लास्ट कंडीशन है सेक्शन ट्वेंटी का वो क्या है इट शुड नॉट बी यूज फॉर इट्स ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो तुम उसको एचपी में नहीं पीजीबीपी में लाओगे हाँ तो फिर आप उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे फिर वो आपके लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर बन जाएगा ना सेक्शन फिर आप एल में डालोगे ना उसको उसके लिए जो आप कर रहे होंगे क्यों तो yes? है इट शुड नॉट बी यूज फॉर इट्स ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो भाई साहब आपको क्या छोड़ना है आपको टेन डबल ए छोड़ देना है मेक सेंस पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन छोड़ देना है और देख लो थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री थर्टी फाइव ट्रिपल सी थर्टी फाइव थर्टी फाइव ए डी प्रोविजन्स ऑफ चैप्टर सिक्स डबल ए एक्सेप्ट लिख सकते हो आप एटी जे जे ए क्योंकि एट्टी जे जे ए जो है ये आपको मिल सकता है बराबर है अच्छा बताइए इनसे आने वाला कोई लॉस होगा <coughs> या नेब्स डेप्रिसिएशन होगा क्या वो सेट ऑफ हो पाएगा नहीं क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा नहीं समझ में आ रही बात सभी को या ना, यस yes? बताइए डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाएंगे यस yes. डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाओगे एडिशनल डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाओगे नो no. समझ में आई बात चलो आओ सेक्शन 115 एंड फिफ्टीन बी अरे बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद के भी तो एसेट्स होंगे ऐसा कैसा कर रही तू मेरे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ मैं ये टेबल तो यूज करूंगा मेरे एम्प्लॉय बैठेंगे किधर उस पर थोड़े तो अप्रिशिएशन क्लेम करूंगा मैं प्लांट एंड मशीन लूंगा उस पर तो लूंगा ऐसा क्या कर रही तू कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट एंगेज इन नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बहुत असेसी कौन होना चाहिए असेसी इज अ रेसिडेंट हाईलाइट दिस को ऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 115 फिफ्टीन बी ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए इज ए न्यू सेक्शन फॉर कोऑपरेटिव एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एवरीबॉडी, इसीलिए 115 एंड बी एडी में ये अमेंडमेंट हुआ है, ये जो वर्ड है ना ये वर्ड अमेंड हुआ है, क्योंकि नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, ठीक है सो एस एस टैक्स रेट वॉट इज द टैक्स रेट टैक्स रेट इज ट्वेंटी टू परसेंट Plus surcharge at the rate of ten percent plus HEC at the rate of four percent effective rate twenty five point one six eight percent effective rate twenty five point one six eight percent with effect from वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दैट इज असेसमेंट इयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव दिस इज बोलो बेटा डिफॉल्ट स्कीम बट असे में ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड फोर्थ फॉलोइंग डिडक्शन फॉलोइंग डिडक्शन के नॉट बी क्लेम्ड अब पूरा हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी याद करके देखना सैलरी के जो डिडक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी में मैंशनड है वो यहां लिखने का कोई काम नहीं है सर आप राखी के जैसा सवाल पूछ सकते हैं कि सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपना ऑफिस चला रही है उसको तो आप सेल्फ ऑफ्यूपाइड बोल सकते हो मेरे फाइनल फाइनल वाले वाले प्यारे से बेवकूफ अगर एक प्रॉपर्टी जिसमें खुद रह रही है ठीक है है एक प्रॉपर्टी जिसमें खुद रह रही है, वो बिजनेस के लिए हो गया सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ एचपी कहता है इट द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर इज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन सो अगर ये प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है आप उस प्रॉपर्टी को बिजनेस प्रॉपर्टी दिखाओगे और बिजनेस प्रॉपर्टी दिखाने के बाद जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो सेक्शन 36 में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में डिडक्शन लोगे यस दूसरा उस उसपे जो म्यूनसिपल टैक्स आ रहा है सेक्शन 30 में डिडक्शन लोगे टैक्सेस पेड ऑन बिल्डिंग समझ में आ रही बात वहां डिडक्शन लोगे आप उसका उस उसपे जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है सेक्शन थर्टी ऑफ पीजीबीपी में डिडक्शन लोगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू बिल्डिंग समझ में आ रहा है तो तुम कॉन्सेप्चुअली गलत मत हो बीएमडब्ल्यू नहीं करना है बीएमडब्ल्यू लेना है तुम्हारे बेसिक में वन दे बीएमडब्ल्यू नहीं करना है बी एमडब्ल्यू लेना है समझ में आया लाइफ के गोल्स याद रखने का तो कुछ डिडक्शन बताओ सैलरी की पूरी लिस्ट को बाजू कर दू वेरी गुड एचपी की लिस्ट को बाजू कर दू यस yes. बता पीजीबीपी में क्या छोड़ना है बोल मेरा बच्चा पीजीबीपी में क्या छोड़ना है पॉइंट नंबर वन पहला जिसके पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी दूसरा बोल बेटा बोलते जा बोलते हो लिख एडिशनल depreciation अंडर सेक्शन थर्टी टू वन डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए ये तीसरा वाला तो आप नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा ये बहुत स्पेसिफिक है फोर्थ चौथा याद रखना है डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव साइंटिफिक रिसर्च डन डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स ये हुआ पीजीबीपी में ठीक है दूसरा कौन से चैप्टर की बात करें हम्म एग्जाम्शन एग्जाम्शन में क्या छोड़ना है सुन एग्जामेशन में मेनली तीन थे एमपीएमएलए वाला आ नहीं सकता क्योंकि कोऑपरेटिव एमपीएमएलए नहीं बन सकता इंडिविजुअली बन सकता है टेन थर्टी टू आ नहीं सकता क्योंकि कोऑपरेटिव के बच्चे नहीं हो सकते तो बचता है टेन डबल एग्जामेशन अंडर सेक्शन टेन डबल ए अब ना सैलरी आ सकता है हटा दे ना एचपी आ सकता है हटा दे ना आई एफ ओ एस आ सकता है हटा दे, दे एग्जामेशन से भी तूने हटा दिया बचता क्या सिर्फ डिडक्शन आ जा इसलिए मैंने बोला एक बार आपका बी एस सी आपने टाइम लगा दिया यहां आपको टाइम ही नहीं लगता डिडक्शन एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए एक्सेप्ट ए जे ए एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए एक्सेप्ट एटी जे जे ए ए डन चलिए तो इतनी चीजें आपको छोड़नी हैं। अगर आप रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप 25.168 परसेंट भरिए और काम खत्म कीजिए यह ऑप्शन जो है यह अब आपका डिफॉल्ट स्कीम है आपको ओल्ड वाले में जाना है स्पेसिफिकली रिटर्न भरने से पहले कम्युनिकेट करना है ये yes सुनो। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लो इसी के नीचे तुरंत इसी के नीचे तुरंत एक एग्जाम्पल लो विजय कोऑपरेटिव सोसाइटी विजय कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज इन विजय कोऑपरेटिव सोसाइटी is engaged in business and generated an income of generated an income of 12 lakh Kindly calculate the tax payable. Kindly calculate the tax payable. Assuming. Assuming. They have opted for 115 BAD. They have opted for 115 BAD. लेट हो तो गया आज बारिश दे हैव ऑप्टेड फॉर हंड्रेड एंड टीन बी एडी चलो निकालो फटाफट दो मिनट में आई थिंक इट्स वेरी सिंपल व्हाट एवर इज द अमाउंट इन टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट देर इज नो एज सच डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर लेवल चलो जल्दी hmm. बोलो 12 lakh into 25.168 percent is it सिक्स एट परसेंट इज इट नॉट आप गलती कर दोगे राउंड ऑफ है ना छोटी सी गलती क्या है ऐसा टपली मारने का अपने आप को और लिखने का उसकी शादी हो जाएंगी याद आ रहा है ना तुमको यस सर सो आई थिंक इट्स वेरी इजी आपका थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी आना चाहिए आफ्टर राउंड ऑफ राउंड ऑफ अगर भूल गए हैं तो प्लीज वहां पे नीचे माय नोट लिखिए माय नोट खुद के लिए राउंड ऑफ करना मत भूलना ये आपको बार बार खुद के लिए मैसेज करने पर मजबूर करेगा कि भाई मैसेज कर अपने आप को ये करना मत भूलना ये गलती है इससे बच जाना हाँ हाँ ऑब्वियसली एग्जाम में एमसीक्यू में आया दो ऑप्शन तो इसी के बन जाते बचे हुए दो इधर उधर जाते ये नो चलिए अब एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 115 बीएई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया गया है अगर आप देखेंगे मैंने चैप्टर नंबर वन में इसे कवर नहीं किया हुआ है जानबूझ करके यहाँ पे सिर्फ एक चार्ट दे दिया नीचे देखो यहां पे नीचे सिर्फ एक चार्ट दे दिया 115 एंड बी ए का इससे रिलेटेड जो पूरा डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो मैंने टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव में रखा क्योंकि वो वहां का पार्ट पार्ट है पर उसका टैक्सेशन हम इधर ही समझेंगे ध्यान से हंड्रेड right? एंड बी ए राइट सर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है अब आपके मन में काफी सवाल उठेंगे सर ऐसी कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है क्यों शुगर कोऑपरेटिव्स जो सबसे ज्यादा फेमस है साहेब शरद पवार साहेब ये सो नो अमोल ने नो नो दैट्स दैट्स ओल्ड हिस्ट्री जब वो कोऑपरेटिव रहा करती थी नाउ दैट्स अ कंपनी राइट पर आज भी अगर आप देखा जाए मैक्सिमम जो आपकी सुदगिरणीज होती है सुदगिरणी मतलब जो धागा बनाती है राइट right? या फिर जो शुगर कोऑपरेटिव्स होती है वो राइट right? ये आज भी क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये आज भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तीसरा तीसरा मैं आपको प्रोडक्ट दिलाता हूँ याद जो गृह महिला उद्योग होता है छोटे गृह महिला उद्योग होता है जो क्या बनाते हैं चटनी बनाते हैं पापड़ बनाते हैं सैनिटरी पैड्स बनाते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होते हैं आज भी विच इज इन टू मैन्युफैक्चरिंग विच इज इन टू मैन्युफैक्चरिंग जो पापड़ अचार इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन लोगों की एक बहुत स्पेसिफिक डिमांड थी और इनकी डिमांड क्या थी इनकी डिमांड थी कि भैया हम जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं आप एक तरफ बोल रहे हो मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया व्हेन वी आर एक्चुअली मेकिंग सम प्रोडक्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी दो वी आर नॉट कंपनी बट एटलीस्ट वी डिजर्व द टैक्स रेड ऑफ कंपनी बिकॉज वी आर ऑल्सो इन टू मैनुफेक्चरिंग येस ओ नो तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला देखिए आपने कंपनी इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए पंद्रह परसेंट टैक्स रेट लाया हमारे को भी पंद्रह परसेंट एक्सटेंड करो तो सरकार ने इस बार सोचा कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं इवन दो दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी कोऑपरेटिव हैज इट्स ओन एडेड एडवांटेज कंपनीज में क्या होता है बार मीटिंग कर मीटिंग का नोटिस दे मिनट्स बना ऑल दैट पर्टिक्युलर हेल्थ जो हम लॉ के अंदर में पढ़ते हैं दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड यार अपने लिए जितना कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए भी कंपनी लॉ उतना कॉम्प्लिकेटेड है नाउ सिचुएशन इज कंपनी लॉ के दुनिया भर के कंप्लाय कर क्वार्टर के अंदर में बोर्ड मीटिंग बोला एनुअली एजीएम बोला इतना कोऑपरेटिव में दिमाग ही नहीं लगता एक एजीएम गेम ओवर तो इट इज वेरी इजी टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस विदाउट मच कंप्लायंस आई यू गेटिंग द पॉइंट इट इज वेरी इजी टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस रादर देन मच कंप्लायंस सो दे डिमांडेड फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर दैट प्लीज यू गिव द टैक्स टैक्सेट विच इज गिवन टू कंपनी एंगेज इन टू मैनुफैक्चरिंग So, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग रेट यहां दिए यहाँ नाउ इज दैट अ पॉसिबिलिटी सोच करके देखना इज दैट अ अ पॉसिबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सोसायटीजेज इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज जनरेटिंग इनकम फ्रॉम अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लेट लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सैनिटरी पैड्स बना रही है ठीक है ऐसा भी किसी ने सैनिटरी पैड्स बोला कम ऑन इट्स नॉर्मल ठीक है अपन सबके घर में लेडीज है तो कम ऑन फोकस करना इस कॉन्सेप्ट राइट स्पेसिफिकली जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो वाले ध्यान से सुनना अब जो सैनिटरी पैड्स बना रही दैट्स अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ठीक है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोडाउन रेंट पे दियो तो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है अब लॉजिकली तुम सोच करके बताओ ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यू कंप्लीटली अग्री दैट यू प्रोवाइड फिफ्टीन परसेंट एज अ टैक्स रेट बट दोज इनकम विच आर नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इनको पंद्रह परसेंट का रेट मिलना चाहिए क्या नहीं दे शुड बी टैक्स एट ट्वेंटी टू परसेंट विच इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल कोऑपरेटिव एज ऑफ नाउ हंड्रेड एंड फिफ्टी बी एडी ट्वेंटी टू परसेंट इफेक्टिवली ट्वेंटी डोंट गो फॉर दैट इफेक्टिव टैक्स रेट उनके लिए भी फिर ट्वेंटी फाइव ही होना चाहिए देखो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए में क्या किया आई थिंक नाउ इट विल बी वेरी क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड दैट जो कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग में है उनसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम दैट विल भी इफेक्टिव रेट सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट वेर इन फिफ्टीन परसेंट इज द टैक्स रेट टेन परसेंट इज मैडेटरी सरचार्ज मैंडेटरी सरचार्ज फ्रॉम वन रुपीज अनलाइक इंडिविजुअल जहां पचास लाख से ऊपर चालू हो रहा है मैंडेटरी सरचार्ज एक बात याद रखे जितनी भी न्यू टैक्स स्कीम है इन सब में सरचार्ज मैंडेटरी है इन सब में सरचार्ज मैंडेटरी है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस एक एक्सेप्शन है जहां पर सरचार्ज नॉर्मल तरीके से लग रहा है अदरवाइज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी ए बी बी ए डी बी ए इन सब में सरचार्ज मैंडेटरी है तो यहां पे 10% का सरचार्ज ला दिया 4% का सेस, इफेक्टिव टैक्स रेट कम्स टू 17.16 किसी को लग रहा है कैलकुलेटर में कर लेना 15 प्लस बोलो बेटा प्लस 10 प्लस 4 मत करना कैलकुलेटर फेंक के मारूंगा 15 प्लस 10% प्लस 4% 17.16% समझ में आया कैसे आए इफेक्टिव टैक्स रेट

कोर एक्टिविटी कोर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड नॉन कोर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अब असेसमेंट होते वक्त इसमें इंपैक्ट क्या आता है यह समझना अज्यूम करो तुम सभी लोग क्या हो इधर ट्रस्टी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हो तुम क्या चाहोगे टैक्स प्लानिंग सिंपल टैक्स प्लानिंग क्या है इसमें यू विल क्लासीफाई मेनी इनकम इन कोर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम ट्वेंटी फाइव परसेंट टू सेवेंटीन परसेंट बराबर है वट एओ विल ट्राई टू डू अदर एक्टिविटी असेसमेंट में ये लफड़े होते हैं जब से ये न्यू टैक्सेशन स्कीम्स आई है हमको ऑफिस में भी यही देखने को मिल रहा है ऑफिस में भी एक्चुअली यही लफड़ा हो रहा है कि होता क्या है स्पेशली इनकेस ऑफ कंपनी क्योंकि को ऑपरेटिव में तो ये अभी आई है कंपनी के केस में कंपनीज के केस में वी हैव टू मेक अ जस्टिफिकेशन दैट दिस इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दिस इज नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इनफैक्ट एक क्लाइंट के केस में उन्होंने क्या रोक दिया था मालूम बाई प्रोडक्ट जो निकाला ये मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट के अंदर में कैसे आया एक्सप्लेन करो फिर हमको उनको कॉस्टिंग निकाल के दिखाना पड़ा एज अ सब्जेक्ट कि सर बाई प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी मैन्युफैक्चर बाई प्रोडक्ट आता ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से क्योंकि अकाउंट्स बनाते वक्त आप उसको बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते मेरा बात समझना हम कॉस्टिंग में उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं अकाउंट्स में हम उसको बाई प्रोडक्ट नहीं बोलते हम सीधा प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट प्रोडक्ट सी डी से सेल बताते जैसे जैसे अगर कोई शुगर कंपनी है वो मोलासिस निकालती है मोलासिस को ट्रीट करके सेल कर देती तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मोलासिस वो मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं बोलते बराबर है मेन प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाय नहीं बोलते पर वो ये बोलता कि तुम तो शुगर बनाने वाली कंपनी हो तुम काहे को बना रहे हमने बोला सर ये बाय बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट है और को भी प्रोसेस करके बेचना पड़ता वो बोलता है भाई ऐसे कैसे बेचना पड़ता ये तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ही नहीं अदर इनकम में क्लासिफाई करो फिर उसको समझाना पड़ा कि सर देखो ये प्रोसेस से ये वेस्ट निकला और ये वेस्ट को ट्रीट करके हम सेल कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ रही बात तो यहां तुम्हारे लफड़े होंगे याद रखना प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल लाइफ में तो जल्दी कंपनी जल्दी से society, in manufacturing manufacturing से, से टैक्सेबल है ट्वेंटी ने देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम किया है ये रेट और ये रेट सेम है एटलीस्ट इतना तो भी अच्छा किया कि तुमको दो ही रेट याद रखने इफ यू आर इन टू मैन्युफैक्चरिंग सेवेंटीन सिक्सटीन क्चरिंग ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट गेम ओवर समझ में आ रही बात था ना बच्चे ट्वेंटी टू प्लस टेन प्लस फोर तब जाके तो इफेक्टिव ट्वेंटी ओल्ड स्कीम में सेवन एंड ट्वेल्व परसेंट था नहीं वहां पे एक करोड़ और दस करोड़ का लिमिट था इसीलिए हम बोल रहे ना जो सरचार्ज वाला है वो सिर्फ न्यू स्कीम में मैंडेटरी है ओल्ड स्कीम में है ही नहीं समझा चलो आओ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू स्कीम फ्रॉम वन टू वन थाउजेंड करोड़ टेन परसेंट ठीक है कब से आया है बोल भाई असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव लिखो ये मैं यहां लिखवा रहा हूं पर इसका डिटेल वर्ड्स जो है यह आपको चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में है क्योंकि वहां से भी इसका कुछ लिंक्ड है ठीक है 24 25 असेसी रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया एंगेज इन बोलो बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंगेजड इन मैन्युफैक्चरिंग आ रहा हूं उसी पर आ रहा हूं अब आप ये पूछेंगे वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इतना तो डीप में हमको जाना पड़ेगा ना बरो वट इज मैन्यूफैक्चरिंग अंडरस्टैंड आरके मार्बल्स मार्बल्स में सबसे बड़ा नाम इंडिया का एंड वर्ल्ड में भी क्लासीफाई होता है वट दे डू मार्बल के ब्लॉक्स निकालते हैं कट करते हैं सेल करते हैं इज इट मैन्युफैक्चरिंग वट डू यू थिंक वाइट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग क्यों खान से निकालो कट करो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे इस बात पर बड़ा ध्यान दीजिएगा दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू एडिशन बराबर है अच्छा मुझे बताइए एचपी गैस एक मिनट एक मिनट सारे सवाल दो मिनट रुक एचपी गैस ठीक है इसके घर से खाली गैस लाया गैस रिफिल किया तेरे घर पे दिया बराबर इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग रिफिलिंग ऑफ गैस सिलेंडर इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग क्या लगता है समझ में आ बात उनने बनाया नहीं रिफिलिंग तीसरा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इट्स अ जॉब वर्क इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि अगर आपको याद हो सेक्शन 32 टू पीजीबीपी पढ़ते वक्त एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग मान करके प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन वालों को दिया गया था सीबीडीटी के सर्कुलर द्वारा दैट प्रिंटिंग एंड पब्लिक एंड पब्लिकेशन आर एलिजिबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन बट इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्पज ऑफ लोअर टैक्स रेट दैट मींस वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज नॉट कवर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ये वनो तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन नहीं किया पर उन्होंने यह एक्सप्लेन कर दिया वॉट इज नॉट अ मैनुफैक्चरिंग किया वॉट इज मैन्यूफे एक्सप्लेन कर दिया वॉट वी विल नॉट कंसिडर इन मैनुफैक्चरिंग दैट इज द मोस्ट सिंपलेस थिंग दे हव डन फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी पॉइंट नंबर ए बी सी डी फॉलोइंग चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी पहला माइनिंग कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स Into slabs, third, bottling of gas into cylinder, <coughs> printing of books. Production of cinematographic film. Production of cinematographic film. Development of computer software in any form. Development of Computer software in any form or media, <coughs> any other business notified. ज इज डन चलिए तो फॉलिंग कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी पहला उन्होंने कहा माइनिंग सो डोन्ट्रेज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉट माइनिंग एनी माइनिंग दूसरा कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इन टू स्लैब्स नाउ अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं मेरी बात समझ के चलिएगा दीज ऑल आर क्वेश्चनेबल्स उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया मार्बल ब्लॉक्स वॉट अबाउट अदर अदर ब्लॉक्स मार्बल के ना होकर के अगर अदर ब्लॉक्स रहे जैसे ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बारे में क्या कहना है ये क्वेश्चन आता है अब मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि मेरे खुद के साडू है जो क्या करते हैं पूरा ब्लॉक खरीदते हैं ग्रेनाइट का और उसको बाद में क्या करते हैं कट करते हैं नाउ दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज वो आज भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको सब्सिडी एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं और यहां क्लियर कट लिखा है मार्बल ब्लॉक्स ग्रेनाइट भी है तो पत्थर ही ना ये सोनो थर्ड बॉटलिंग गैस इन सिलेंडर तो फिर कोको कोला का क्या आप भी तो खाली बॉटल रख के वापस रिफिल ही कर रहे हो क्या आप उसको मैन्युफैक्चरिंग मान रहे हो बल बट दीज आर क्लैरिटी विच इज गाय गवर्नमेंट हम इसको नहीं मानेंगे विच मीन बाकी सब मैनुफेक्चरिंग में आ गया विदाउट एनी तो फिर दिमाग नहीं लगाने का भैया क्या पेप्सी और मैन्युफैक्चरिंग रहे? कर रहे पर एचपी सिलेंडर कर रहा है आंसर इज नो इंडियन गैस कर रहा है द आंसर इज नो समझ में आ रही बात नहीं अच्छा एक मिनट उन्होंने क्या कहा एक और पॉइंट कहा इस बात को समझना बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर बॉटलिंग ऑफ गैस इन टू सिलेंडर बट वॉट अबाउट वॉट अबाउट अदर रिफिल्स जैसे क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए गैस का पूरा टैंक होता है बराबर है पर आप उसको सिलेंडर में नहीं डाल सकते दैट इज नॉट अ सिलेंडर दैट्स अ चेंबर गैस चेंबर जो फर्नेस को क्या करता रहता है कंटिन्यूअसली इलेक्ट्री कंटिन्यूअसली गैस सप्लाई कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसका क्या इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा समझ में आ रही बात तो जितना लिखा है इस वर्ड को थोड़ा सा स्टिक करके चलना पड़ेगा आई नो देर मे बी मेनी क्वेश्चन हुआ तो क्या वैसा हुआ तो क्या हाल फिलहाल में हमें यही मान के चलना पड़ेगा कंसिडरिंग द न्यू सेक्शन जितना लिखा है उस पर फोकस करो बाकी सबको छोड़ दो काम खत्म प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म सर व्हाट अबाउट ओटीटी एंड शॉर्ट फिल्म्स आर दे देनेमाटोग्राफिक फिल्म्स व्हाट अबाउट शॉर्ट फिल्म्स आर दे देनेमाटोग्राफिक फिल्म्स

थर्ड टैक्स रेट क्या टैक्स रेट है मैं नहीं बता रहा बताओ तुम ही क्लैरिफाई करो आउट ऑफ इनकम आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 17.16 परसेंट विच कंप्राइजेस 15 परसेंट ऑफ टैक्स प्लस टेन परसेंट ऑफ बोल बेटा सरचार्ज प्लस फोर परसेंट ऑफ एच ई सी एवरीबाडी यस अदर एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड से आ रहा होगा फॉर एग्जाम्पल रेंट से आ रहा होगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट विच कंप्राइज ऑफ ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज टेन परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट आप लिख सकते हैं सरचार्ज मैंडेटरी माइनोट लिख करके एनी इनकम डन चलो सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आप डिफरेंट निकालेंगे और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से जो इनकम आ रहा है लाइक इंटरेस्ट डिविडेंट रेंटल इनकम उससे आप बिल्कुल अलग निकालेंगे सो यू रिक्वायर अ क्लियर क्लासिफिकेशन यू रिक्वायर अ क्लियर क्लासिफिकेशन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर बाकी सारी डिटेल दी है बट देर इज नो क्लियर क्लासिफिकेशन तो हम क्या करें इस टाइम पे आप अपना अजम्पन और नोट लिख सकते हैं वैसे तो ऐसा क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए बट फिर भी अगर बन जाता है तो आप क्या कर सकते हैं आप बोल सकते हैं कि बी एस द होल इनकम इज जनरेटेड आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ओनली एंड द टैक्स रेट इज दिस दिसंट सिक्सटीन परसेंट अदरवाइज माई आंसर विल चेंज अकॉर्डिंगली समझ में आ रही बात यह एजम्पन आपने अलग लिया मेरा आंसर भी अकॉर्डिंगली बदल देना फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट ऑप्शन वंस टेकन कैनॉट बी विद्रॉन एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी फिर आप अपने आप की भी नहीं सुन सकते राइट फिफ्थ फॉलोइंग डिडक्शन कांडी टेकन आप कुछ डिडक्शन नहीं ले पाएंगे नहीं 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 मैं काय को लिखूंगा मैं तो यहां पर पे आके पेस्ट करूंगा ना हा हम भी ऐसा ऐसा सेम एज लिख दो सेम एज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एडी शॉर्टकट ही यूज करना है सेम एज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी सारे वही एज इट इज कट कॉपी पेस्ट सिक्स यस चलो दिस ऑप्शन नीच टू बी टेकन बिफोर फाइलिंग आई टी आर फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव विल बी द फर्स्ट ईयर जब यह ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे डन Next point, if losses and unabsorbed depreciation arise because of above deduction, it cannot be taken. एडिशनल कंडीशन एडिशनल कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है एडिशनल कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है इसका टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है additional condition please check आपने मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए था आपने अब तक वो पूछा नहीं पर ये कंडीशन उसी से रिलेटेड है whether an existing company engaged into manufacturing can opt for this section सोच करके हाँ या ना जवाब देना वेदर कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज ऑलरेडी एंगेज टू मैन्युफैक्चरिंग विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन यस और नो यस और नो आंसर इज नो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता टैक्स लेवल पे डिपार्टमेंट लेवल पर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता बिकॉज जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है उनको आप सीधा सीधा क्या दोगे 115 बीएडी ये जो सेक्शन है इसका इंप्लीमेंटेशन ही असेसमेंट ईयर 24-25 ऑफ दिस सेक्शन बट सर फिर ये तो गलत है ना मतलब जो कंपनी ऑलरेडी जो कोऑपरेटिव मैं बार बार कंपनी बोल रहा हूं सॉरी जो कोऑपरेटिव पहले रजिस्टर्ड हुई उनको तो आप ऐसा कुछ बेनिफिट ही नहीं दे रहे हो एज ऑफ नाउ दे डोंट हैनी बेनिफि उनके लिए एक्सिस्टिंग बेनिफिट ही है तीस परसेंट से उनका टैक्स ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट पे ला दिया उनको ये वाले सेक्शन का बेनिफिट अभी नहीं दे रहे कि आप पंद्रह पे आ जाओ बट आई एम श्योर वो इसकी डिमांड जरूर करेंगे भारतीय सरकार के पास कि हमको भी इस सेक्शन को एक्सटेंड करो एज ऑफ नाउ देर इज नो सर्कुलर नो नोटिफिकेशन द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन विल ऑल्सो गेट एक्सटेंडेड टू एक्जिटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी दे डोंट हैव इट ऑल टुगेदर क्योंकि अगर उनको ऐसा करना था देर वॉज नो नीड टू ब्रिंग अ न्यू सेक्शन वो एक्जिस्टिंग सेक्शन में ही अमेंडमेंट कर देते कोई जरूरत ही नहीं थी उनको ये सेम सेक्शन लाने की अगर आप देखोगे तो वो सेम 115 बीएडी में भी क्या कर सकते थे अमेंडमेंट कर सकते थे दे हैव अ क्लियर इंटेंशन एज ऑफ नाउ पुरानी जाना है बीएडी में जा नई वाली चुपचाप इधर आ जाए तो ओल्ड टैक्स में जा समझ में आ रही बात सो को ऑपरेटिव मस्ट बी रजिस्टर्ड को ऑपरेटिव मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री एंड शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर प्लीज इस लाइन को दो बार पढ़े हंड्रेड परसेंट मिसअंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशनल मिस्टेक करने की गलती कर सकते हैं दे आर नॉट सेइंग कोऑपरेटिव मस्ट बी रजिस्टर्ड बिटवीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर दे आर सेइंग कोऑपरेटिव मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन ऑनर आफ्टर ट्वेंटी थ्री बट मैन्युफैक्चरिंग मस्ट स्टार्ट बिफोर ट्वेंटी फोर आई यू गेटिंग द पॉइंट बट दैट्स अ कंप्लीट नॉन सेंस आस्मी वाई इफ अ कोऑपरेटिव इज रजिस्टर्ड ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर देन वॉट दस दिस सेक्शन मेक्स एनी 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 सेंस टू यू दो सो अगेन लॉ मेकर ने यहां हंड्रेड परसेंट मिस्टेक की है मैन्युफैक्चरिंग मस्ट स्टार्ट विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन समझ में आएगा अगर उनको यह कंडीशन लगानी भी थी वर्ड लिखते वक्त इनने क्या लिखना चाहिए था वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ लॉ मेकर का मिस्टेक है जो अमेंड करेंगे देखना आप कंफर्म करेंगे क्योंकि अगर कोऑपरेटिव फिर एक चार दो हजार चौबीस का रजिस्टर्ड है देण, 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 दिस मींस या तो ये सेक्शन ही एक साल के लिए आया है बाद में चल के इसको बीएडी के साथ मर्ज कर देंगे या तो फिर इनको वर्ड अमेंड करने पड़ते इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास पॉइंट नंबर बी पॉइंट नंबर बी Business must not be started from no. the business must not be started from splitting up or reconstruction.

तो वो बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग को पंद्रह पे डाल दो नॉन मैन्युफैक्चरिंग को बीएडी में डाल दो क्या फायदा हो जाएगा एवरेज टैक्स ऑफ द कोऑपरेटिव विल कम डाउन वो तो सीधा सीधा यही करते थे भारतीय सरकार को पहले ही समझ में आ गया कि तुम उन्हें बेवकूफ <laughs> बना सकते हो उनने बोला तेल लगाने गया कैनॉट बी डन बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन इट शुड बी अ न्यू कोऑपरेटिव रिकंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल नहीं नहीं तो तुम क्या करते थे दो कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्ज इन टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब अगर सोच करके देखो मेंबर्स सेम होंगे दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो तो सीधा सीधा मर्ज करके एक नया कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड आफ्टर टू ना स्प्लिटिंग अप से चलेगा ना रिकंस्ट्रक्शन से चलेगा फैंटास्टिक वर्ड्स थर्ड अगेन टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इट शुड नॉट यूज प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज इन शॉर्ट इट शुड बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल कंडीशन लाइए सिर्फ इस सेक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहे हैं तुमसे मैन्युफैक्चरिंग एक चार दो हजार तेवीस के बाद शुरू होनी चाहिए मतलब कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड एक चार दो हजार तेवीस के बाद होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग उसका दो हजार चौबीस से पहले होना चाहिए दूसरा कंडीशन इट इज नॉट फॉर्म अप और रिकंस्ट्रक्शन तीसरा इट शुड नॉट यूज प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी तुम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करने वाले हो ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए वैसे ये कंडीशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये कंडीशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के टाइम पे याद आ रहा है क्या बराबर है आप ये बचपन में भी पढ़ चुके हैं पर दो चीजें इसके एक्सेप्शन में थी याद करके देखो द प्लांट एंड मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज न्यू सिचुएशन इफ इट इज एन इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी तुम इंडिया से सेकेंड हैंड खरीदो उसे न्यू नहीं माना जा रहा है फॉरन से सेकेंड हैंड लेके आओ उसे न्यू माना जाएगा बात समझना इंडिया वाली सेकेंड हैंड नहीं चलेगी फॉरेन वाली सेकेंड हैंड भी चल जाएगी मशीनरी बात समझ रहे हो तुम दूसरी चीज अगर अगर जो प्लांट एंड मशीनरी तुम एक्वायर कर रहे हो इट इज नॉट एक्सीडिंग द ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी तो इसको भी हम क्या मान लेंगे न्यू प्लांट एंड मशीनरी अंडरस्टैंड करना इस मीनिंग को सपोज कीजिए आप 100 करोड़ के प्लांट्स एंड मशीनरीज लेके आ रहे हो जिसमें से 19 करोड़ इंडिया में ही एक्वायर किए सेकेंड हैंड वेदर द सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी एक्सीडिंग द ट्वेंटी परसेंट ऑफ ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी आंसर इज नो बोलती है इतना उत्ता चलेगा तो बीस परसेंट तक के सेकेंड हैंड चलेगा ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फिर वो इंडिया से आए या आउटसाइड इंडिया से आए बात समझ लेना

Following plant and machinery shall be considered as new. Point number one Imported plant and machinery. for which no depreciation was allowed <coughs> in india b second hand plant and machinery if if the total value does not exceed 20% of total value of plant and machinery used by assessee हम्म इज इट डन चलो एक बार रिवाइज करते हैं पूरा शुरुआत से एस एसि कौन होना चाहिए रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या नहीं आता ये याद रख लो बाकी सब आता ही आता है जितने तुम्हारे डाउट है वो सब मैन्युफैक्चरिंग है <laughs> लिस्ट बड़ी क्लियर है पॉइंट नंबर वन माइनिंग ब्लॉक्स एंड टू स्लैब रिफिलिंग ऑफ सिलेंडर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स बोलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एनी अदर स्पेसिफाइड एनी अदर स्पेसिफाइड तो टैक्स रेट क्या रहेगा मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम 17.16 परसेंट अदर देन मैनुफैक्चरिंग से आने वाली इनकम 25.168 परसेंट एक बार ले लिया पीछे नहीं मुड़ सकते ऑप्शन में कौन सा डिडक्शन छोड़ने वो जो 115 बीएडी में लिखे है वो सारा डिडक्शन यहाँ पे भी छोड़ देने के राइट right? ऑप्शन आपने एक बार ले लिया विद्रॉ नहीं कर पाओगे इन डिडक्शन के कारण अगर कोई लॉसेज एंड अन एब्जर्व आया है वो भी आप क्या नहीं कर पाओगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे कुछ एडिशनल कंडीशन है एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए नहीं है न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक चार 2023 के बाद रजिस्टर हुई है उनके लिए आया है इन जिनका मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले शुरू हो जाना चाहिए राइट दूसरा यह जो बिजनेस है ये स्टार्ट बिजनेसिंग और रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए तीसरा इसमें जो यूज होने वाली प्लांट एंड मशीनरी है वो न्यू होनी चाहिए हालांकि दो प्लांट एंड मशीनरी को हम न्यू ही मानेंगे पॉइंट नंबर वन इंपोर्ट हुई प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी जिसका वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के 20 परसेंट से ऊपर नहीं जाएगा तो हम वो 20 परसेंट के लिए इतना झगड़ा नहीं करेंगे हम उसको भी न्यूमान के खत्म कर लेंगे क्लियर है मालिक डी नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कहें सर आप अदर एक्टिविटी में आ ही नहीं सकते तो फिर ये अदर इनकम का क्या दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इनकम कम ऑन दे आर इन्वेस्टमेंट इनकम डिविडेंट हो गया हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हो गया ये तो वैसी भी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं तो वो तो वैसी कंडीशन से बाहर हो जाता समझ में आ रही बात आप कोई और बिजनेस में नहीं होंगे अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ रही बात सो so, मान लीजिए कम कोऑपरेटिव जो इस सेक्शन का बेनिफिट ले रही है फिर वो सर्विस प्रोवाइडर एज अ कम कोऑपरेटिव नहीं हो सकती इस सेक्शन के अंदर में क्लियर कट है अगर ऐसा कुछ है भी तो फिर उसको सेपरेट पार्ट ऑफ बिजनेस मानना पड़ेगा चलो कोऑपरेटिव से रिलेटेड ये सेक्शन खत्म हुए ऐसे कैसे खत्म हुए कुछ सवाल है आपसे और पॉइंट नंबर वन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आंसर इज यस एडिशनल डेप्रीसिएशन में भी था यहां पर भी है इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है ये yes सो no? अच्छा जी Please add on.

क्लोज कनेक्शन मतलब इसके जो मेंबर है वो इसके डायरेक्टर भी है इज देर क्लोज कनेक्शन बिटवीन दम यस इस वजह से इनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस तरीके से यू नो अरेंज किए जाते हैं दैट ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड हियर एंड अदर इनकम आर टैक्स्ड हियर इन दैट केस एओ डू हैव पावर टू क्लब द इनकम इनटू टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इफ सच इनकम इज क्लब सच इनकम इज टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट डायरेक्टली इफ क्लब नॉट फिफ्टीन नॉट ट्वेंटी टू डायरेक्टली थर्टी वापस से समझना आपको समझ में आया ऐसे कैसे समझा बोलो नहीं समझा मैं फिर समझाऊंगा नहीं समझा सुनो नहीं ऐसे कैसे समझा अपन एवरेज बच्चे नहीं समझने का एक बार में समझने का ही नहीं दो तीन बार रिपीट करेंगे उस दिन जैसे बी एस जैसे तब तो मजा आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता एक हर लेक्चर इधर उधर नंबर से मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट से मतलब है इधर सुन हाँ जी तो क्या किया लाइफ में मान ले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मेंबर दूसरी कंपनी के डायरेक्टर भी है या पार्टनर है या मेंबर है अनादर कोऑपरेटिव के बीच में तो दो कोऑपरेटिव बनाई बराबर है इनके बीच में ऐसा क्लोज कनेक्शन हुआ जहां पे पता चला दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर ऑलवेज टैक्स दैट फिफ्टीन बची हुई इनकम आपने क्या करी अदर कोऑपरेटिव में डाल दी जिसके हंड्रेड परसेंट चांसेस अगर ऐसा कुछ हुआ तो एओ के पास पावर दिया गया है इस सेक्शन में टू क्लब दिस पर्टिकुलर इनकम इन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम एंड इफ दैट हैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट सो कैन आई सी The cooperative society under 115 BAE is exposed to 3 tax rate. Point number 1. If you are engaged in manufacturing activity, 17.16%. If you are engaged in other activity, 25.168%. And if AO during assessment has clubbed the income which belongs to you but taxed at other place, or because of a close connection, you are making such transaction in such a way that it is taxed in another cooperative society. This income will be taxed directly at the rate of 30%. Make sense? Last point, Liko. <coughs> Ninth. Sorry, E. E. Where AO. <coughs> Where EO came across a transaction between assessee and other person, assessee and other person. Where profit generated to another person generates more than ordinary profit, then. then एओ कैन क्लब द एडिशनल इनकम ए कैन क्लब द एडिशनल इनकम एंड सच इनकम शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट सच इनकम शेली टैक्सड एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट देन इसी चीज को अगर क्रग्स कर दिया जाए कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला 17.16 परसेंट आपकी अदर इनकम 25.168 परसेंट अगर एओ क्लब कर दे तो 30 परसेंट डन खत्म चलो क्या आप मेरे साथ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए डी बी ए रिवाइज करना चाहेंगे आते हैं हंड्रेड एंडी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एडी ऑल दी एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एम आई करेक्ट अबाउट दिस लाइन मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनरेलीवेंट इफ द इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट नॉट कवर्ड इन हंड्रेड एंड फिफ्टीन

तो वो फिफ्टी लैक्स से चालू हो रहा है तो वो मैंडेटरी है यस नेक्स्ट विद इफेक्ट फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर विद इफेक्ट फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दिस सेक्शन इज अ डिफॉल्ट सेक्शन हालांकि आप कुछ डिडक्शन नहीं ले पाएंगे मैं इस लिस्ट को आपसे हाइड कर रहा हूं लिस्ट बताओ सैलरी में कुछ याद रखना है नहीं एचपी में कुछ याद रखना है नहीं आई में कुछ याद रखना है नहीं कैपिटल गेन में कुछ याद रखना है नहीं पीजीबीपी की लिस्ट कट कॉपी पेस्ट चलो बोलो कौन कौन सी चीजें छोड़नी है पीजीबीपी में एडिशनल डिप्रिसन स्पेसिफाइड बिजनेस थर्टी फाइव ट्रिपल सी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट थर्टी फाइव ए डी थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए याद आ रहा है साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन थर्टी फाइव इसके बाद में इसके बाद में हम लोगों ने बोला था हाँ एग्जामेशन में टेन डबल ए छोड़ना है डिडक्शन पूरा छोड़ दो एक्सेप्ट एट्टी जे जे ए लो ये लिस्ट कट कॉपी पेस्ट बी ए समझ में आ रही है बात आ जाओ जी अच्छा इनसे आने वाला लॉस और अनएब्जॉर्ब एप्रिसिएशन क्या नहीं कर पाएंगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे ये कॉमन है इसके नीचे जगह खाली होगी तो एक पॉइंट वो लिख देना आप भूले नहीं होंगे तो लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब एप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ अबव कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड डेना मालिक Then, all the cooperative society which is engaged into manufacturing registered after 1 for 2023 and started manufacturing before 2024. Yes. So, these cooperative societies are subject to tax rate of. Now, come on, churn up the thing. There are three tax rate. One, out of manufacturing, 17.16. Chalo, bracket bano, 15%, 10%, 4%. क्चरिंग एक्टिविटी अदर देन कौन सी इनकम आई डिविडेंट इन्वेस्टमेंट इनकम करो ट्वेंटी ट्रांजेक्शन थर्टी परसेंट क्लियर है मालिक अच्छा जी इसके बाद हम लोगों ने देखा था कमॉन एवरीबडी इसके बाद हमने देखा ऑप्शन एक बार ले लिया चाहे बी एडी में ले लिया या बे में ले लिया आप ये ऑप्शन विद्रॉ नहीं कर सकते सारे डिडक्शन जो वहां पे भी नहीं लेने यहां पे भी नहीं लेने यस yes? अच्छा जी इनसे आने वे लॉसेस और एप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते एडिशनल कंडीशन है कंडीशन नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग मस्ट स्टार्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग मस्ट स्टार्ट बिफोर 2024 कोऑपरेटिव मस्ट बी रजिस्टर्ड आफ्टर 2023 कैन दिस बी फॉर्म स्प्लिटिंग ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन नो इट शुड यूज न्यू प्लांट एंड मशीनरी न्यू एंड मशीनरी इंक्लूड्स टू इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी इफ वैल्यू ऑफ सेकंड एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20% परसेंट ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी हाँ नॉट एंगेज इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, यस क्लियर है मालिक पक्का कर दिया हमने तीन बार रिवाइज दो बार मैंने एक बार तुमने बराबर पर यह टू टू तो होना चाहिए कि नहीं तुम्हारे हिसाब से तुम बोलो देखो मेरे को जबरदस्ती नहीं है पर तुम तो चाहोगे ना कि दो दो बार एटलीस्ट रिवाइज हो जाए चलो हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्शनल टैक्स स्कीम अगेन टू कौन सी पहला 115 एंड फिफ्टी बी ए डी एग्जिस्टिंग ऑल को ऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्शन बी ए डी बैड कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट दूसरा बताइए वेदर दे विल गेट एन ऑप्शन टू फाइल द रिटर्न नाउ दिसफॉल्ट स्कीम ये दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी आर टैक्स एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट फॉलोइंग डिडक्शंस कांट बी टेकन पी जी बी पी में एडिशनल डेप्रीशन बोलो बोलो आवाज निकालो एडिशनल डेप्रीसिएशन स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रिपल सी थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए साइंटिफिक रिसर्च एक बज गया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हाँ डिडक्शन में क्या छोड़ना है एटी जे जे ए छोड़ के बाकी सब एग्जामिशन में क्या छोड़ना है कट कॉपी पेस्ट पूरा यहाँ पे भी कॉपी कर दूँ ठीक है अच्छा मुझे बताइए एक बार ऑप्शन ले लिया ड्रॉ कर सकते हैं ना इधर ना इधर चलिए नया सेक्शन 115 एंड फिफ्टीन बी ए ई हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए आस एस सी कौन होना चाहिए एंगेज इन मैन्यूफैक्चरिंग इट शुड

माइनिंग गैस एंड सिलेंडर ब्लॉक्स एंड स्लैब्स सिनेमैटिक फिल्म प्रिंटिंग ऑफ बुक्स सॉफ्टवेयर एनी अदर आइटम ठीक है अच्छा जी टैक्स रेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग से आने के लिए 17.16 परसेंट अदर इनकम एओ ने इनकम क्लब कवर दी बिकॉज ऑफ योर क्लोज कनेक्शन थर्टी परसेंट सॉटरडे हाँ जी ऑप्शन एक बार ले लिया छोड़ते जमेगा ऑप्शन एक बार ले लिया छोड़ते जमेगा इससे आने वाले लॉसेज एंड ऑफ डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते है नहीं बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी बिजनेस में एक्टिवेट नहीं होना चाहिए अभी इधर हो नोट्स देखो शॉर्टकट बनाए हुए हैं अब ये समझ आ रहा है क्या देख लेना आपके नोट्स में शॉर्टकट बनाए हुए हैं ये समझ आ रहा है क्या देख लेना सिर्फ यहाँ पे अदर के लिए 30 परसेंट नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत रेयर सिचुएशन है तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब एओ असेसमेंट कर ले बट अदरवाइज चार्ट समझ आ रहा है क्या देख लो ये सुनो हाँ ये खत्म आप देखोगे कोऑपरेटिव के लिए जनरल रेट ये थे इस बार 115 एंड में नए रेट ये आ जाएंगे ये सुन रहे हो अब एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं होमवर्क करके लाना ठीक है cooperative society engaged in manufacturing started operating from 1/2023 <coughs> provides Following information Income out of Manufacturing activity <coughs> sixty lakhs, other income forty lakhs. what is the tax liability under section 115 ba डन छोटा सा क्वेश्चन है घर पे आराम से कर लेना right? यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फ्रेश होकर के आएंगे कंपनी के टैक्स रेट्स पे टिल दाइम याद रखिये टिल दाइम याद रखिए हमने क्या खत्म कर दिया बी एसी वी एव डन विथ बी एडी वी आर डन विथ बी एउट ऑफ दल्टरनेटिव टैक्स स्कीम मतलब आज हम लोग बी ए बी खत्म कर देंगे तो चैप्टर नंबर वन का जो आपका बेसिक टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट है लगभग शायद आज क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्लियर है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर चैप्टर नंबर तो बाय डिफॉल्ट में इंपॉर्टेंट है मतलब तुम कुछ भी कर लो वो बाय डिफॉल्ट में इंपॉर्टेंट है फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हम किस तरीके से लेक्चर में आगे बढ़ेंगे समझ में आ रही बात तो सी यू आफ्टर द ब्रेक ब्रेक विल नॉट एक्सीड द मिनट्स दिनट दस मिनट का क्राइटेरिया रोज रखिएगा ताकि क्या हो सी आप फाइनल्स में है और लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे स्पेसिफिकली ध्यान रखें जी वालों का को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो अपने हिसाब से बराबर ब्रेक ले लेते लाइव स्ट्रीमिंग वाले और जो फेस टू फेस बैठे हैं वो ध्यान रखें डेढ़ डेढ़ घंटे का टाइम इसलिए क्योंकि तुम यार आर्टिकलशिप कर करके आते हो तुम्हारे में हिम्मत नहीं बचती कि तुम तीन घंटा एक स्पैन में बैठ तो इट्स ओके आराम से ठीक है आ जाओ बेटा Welcome after the break. <coughs> Hanji. So if you know, we have completed another section, and that is 115 BAE. Now we will go to next section 115 BAA. We will go to next section 115 BAA. अगेन इन 2019, इन 2019 क्या किया गया था अगेन कंपनीज चिल्ला रही थी हिस्ट्री आपको याद होगी 2014 में कमिट किया था विल we'll ब्रिंग 25% परसेंट टैक्स रेट विच दे हैव डन विच दे हैव डन बाय ब्रिंगिंग टर्नओवर ओवर एज अ क्राइटेरिया दो साल पहले का टर्न ओवर से नीचे रहा तो ट्वेंटी लेकिन टू थाउजेंड में ही इन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट करना शुरू किया अब जो कंपनीज अगर क्या हो रही है कर रही है दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जी डी पी लॉट एंड इन मेनी वेज कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दूसरी कंपनियों को रोजगार दे करके यस वनो प्रॉफिट में टैक्सेशन के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट करके डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट करके सो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मल्टीपल वेज आई यू गेटिंग द पॉइंट तो ऐसे केस में इनको एक लोअर टैक्स रेट का जरूरत था ऐसे केस में इनको एक लोअर टैक्स रेट का जरूरत था तो इनकम <coughs> टैक्स ने दो सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया हंड्रेड एंड एंड हंड्रेड एंड एज ऑप्शनल टैक्स स्कीम एज ऑप्शनल टैक्स स्कीम ये दो सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया याद रखे दोनों के बीच का भी बेसिक फर्क क्या है <coughs> अगर आप हंड्रेड एंड फिफ्टी बी ए ए बी ए बी देखोगे तो दोनों के बीच का बेसिक फर्क एक ही है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डोमेस्टिक कंपनी क्योंकि क्या होता है हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती जैसे एकत्व प्राइवेट लिमिटेड इट्स अ कंपनी बट इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग हम ही नहीं बोल सकते हम सी के बच्चे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक मिनट <laughs>

नॉट एप्लीकेबल तो ये क्लियर कर दिया जैसे cooperatives को एप्लीकेबल नहीं वैसे ही कंपनी को मैट एप्लीकेबल नहीं बोल करके खत्म किया दूसरी बात ये जो tax, ये जो जो टैक्स कंपनीज थी इन कंपनीज को क्या करना पड़ता था इन सेक्शन को क्या करना पड़ता था ऑप्ट करना पड़ता था इन सेक्शन को क्या करना पड़ता था ऑप्ट करना पड़ता था <coughs> तो इस बात को ध्यान में रखा गया अच्छा जी सर सर तो फिर टैक्स रेट कितना किया गया टैक्स रेट कितना किया गया अंडरस्टैंड 115 एंड में आने वाली कंपनी का टैक्स रेट है ट्वेंटी फाइव पॉइंटेंट याद होगा तो 25 टैक्स रेट प्लस, प्लस सेस वो भी ज्यादा हो रहा था इन्होंने क्या कर दिया इन टोटल कंपनी का टैक्स रेट को लेके आ गए 22% पे और 2019 में इस बात का इतना हवा बनाया सारे मीडिया जिसको गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है राइट मैक्सिमम मीडियाज गोदी मीडियाज राइट इनको बोला गया भैया हवा करो हवा कैसी हुई मैं आपको बताऊं वही उसी तरीके से सरकार ने कर दिखाया 25 परसेंट नहीं अब कंपनियां भरेंगी 22 परसेंट टैक्स रेट कंपनियों का टैक्स रेट तीन परसेंट से कम किया वेयर हैज द फैक्ट वाज डिफरेंट फैक्ट क्या था आप इन सेक्शंस को ऑप्ट करते हो तो आपके लिए यह टैक्स रेट है पर दिखाया क्या गया अब कंपनी देगी बाईस इस चक्कर में जिनको नहीं समझता था उन्होंने भी बड़ी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए मार्केट साढ़े चार सौ पॉइंट प्लस गया वाले थे। पर करेंगे। ये करके मार्केट के अंदर में क्या कर दिया हवा कर दिया अब कंपनी भरेगी 25 के जगह 22 परसेंट तीन परसेंट का टैक्स इससे करोड़ों रुपए का टैक्स सेव हो जाएगा कंपनी के लिए सारी बातें बोली गई सारी बातें बोली गई जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया कि ये लोग को हमें बेवकूफ बना रहे थे बाकी सब क्लियर था लोगों को समझ में आ गया भैया ये इस तरीके का गेम कर दिया गया है चलिए आइए सो ऑल द कंपनी हु आर अ डोमेस्टिक कंपनी विल बी लाइबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ ट्वेंटी चलो ब्रैकेट बनाओ ट्वेंटी कैसे आया होगा ट्वेंटी टू प्लस सरचार्ज मैंडेटरी यस टेन परसेंट अनलाइक यू नो कंपनी के टैक्स रेट जहां पे सरचार्ज कितने से आता था एक करोड़ से दस करोड़ के ब्रैकेट में मेंस करोड़ के ब्रैकेट में यहां सरचार्ज मैंडेटरी है क्योंकि ऑप्शनल टैक्स स्कीम है क्योंकि क्या है बोलो जल्दी से ऑप्शनल टैक्स स्कीम है तो ऑप्शनल टैक्स स्कीम में क्या हो गया यह मैंडेटरी हो गया बराबर अच्छा जी ये जो कंपनीज है ये जो कंपनीज है इनका एक इशू था बहुत बड़ा इशू था इस इशू को कैसे निर्मला सीतारामन जी ने हैंडल किया समझना अब ये कंपनी टैक्स पे करती थी या तो मैट या तो टैक्स विच एवर इज हायर पे अब अगर इन सेक्शंस के अंदर में इन्होंने ऑप्ट किया मतलब मैट एप्लीकेबल ही नहीं तो ये जितनी कंपनीज थी ये आकर के चिल्लाने लग गई ये बोली भैया हमारा मैट क्रेडिट इतने सालों से पड़ा है उसका क्या हमारा मैट क्रेडिट इतने सालों से पड़ा है उसका क्या नाउ व्हाट इज मैट क्रेडिट जिन्हें नहीं समझता दो मिनट समझिए अगर आपने मैट पे किया विच इज हायर देन इनकम टैक्स लेट्स ए मैट इज फिफ्टीन एंड इनकम टैक्स इज टेन तो यू हैव टू पे फिफ्टीन फाइव इज अवेलेबल टू यू एज क्रेडिट जिसको आप अगले साल क्या कर सकते थे सेट ऑफ तो। अब वो कंपनी अगर 115 BAC ऑप्ट कर लेती थी तो वो प्रॉब्लम क्या था मैट एप्लीकेबल ही नहीं, नहीं तो जो पांच का क्रेडिट बच गया उसका क्या तो कंपनीज ने आकर के निर्मला सीतारमन जी से पूछा निर्मला दीदी ये बताओ निर्मला दीदी ये बताओ वो पांच का क्रेडिट जो मेरे पास पड़ा है मैं उसका क्या करूंगा निर्मला दीदी बोली मतलब 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 वो बोले अरे दीदी देखो आपने टैक्स रेट कम लाया ये बहुत अच्छी बात करी पर दीदी ओ दीदी मेरे को एक बात बताओ उस मैट क्रेडिट को जो मैं इतने साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं इसका क्या करूं ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था अगर निर्मला सीतारमन जी इसका गलत जवाब दे देती तो इनकम टैक्स को बहुत बड़ा लॉस हो जाता वॉट क्लेवर लेडी उन्होंने कहा देखो मैं इस सेक्शन में एंट्री की कोई डेट नहीं दे रही हूं वेन एवर यू विश टू तुमको ऐसा लगता है अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो इन सेक्शन के कारण आया होगा तुम पहले वो सेट ऑफ करो उसके बाद इस सेक्शन में आना तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में एंट्री करने का कोई डेट है आप पहले वो खत्म कर लो उसके बाद ही आओ कंपनी शॉक निर्मला दीदी रॉक्स समझ में आया क्या किया निर्मला दीदी ने क्योंकि कंपनीज बोल रही थी भाई मेरा इतने सालों का मैट क्रेडिट है मेरा इतने सालों का बिजनेस लॉस है मैं इसका क्या करूं निर्मला दीदी ने बोला भाई सुन देर इज नो एंट्री डेट वॉट वेन एवर यू वॉन्ट टू एंटर यू एंटर नहीं तो पच्चीस परसेंट तो मैंने तेरे को वैसे ही दे रखा है तेरे को अगर ट्वेंटी टू पे लाना है तो याद रखना तू बाद में आके ये सब मत मांगना न तेरे को ना, ना बिजनेस लॉस ना मैट क्रेडिट कुछ नहीं दूंगी आना है सब कुछ छोड़ के आना सारे बंधन तोड़ के आना फिर यहां आना बराबर है बाद में आके बोलेंगे मेरे को तो पप्पा की याद आ रही मेरे को तो मम्मी की याद आ रही आई लाइक माई ब्रूनो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा <laughs> यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है याद रखिएगा इस चीज को अच्छा जी सर अच्छा जी सर बताइए इस सेक्शन में आने के लिए क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग में होना जरूरी है वेल द आंसर इज नो हाँ पर कंडीशन वही है कुछ डिडक्शन ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कुछ डिडक्शन की लिस्ट भी लगभग सेम है <laughs> सो आइए देखते हैं ंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए एनी डोमेस्टिक कंपनी क्या बोल रहे हैं भाई साहब एनी डोमेस्टिक कंपनी इफेक्टिव टैक्स रेट कितना ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट परसेंट विच इज डिडेड इन टू ट्वेंटी टू प्लस टेन प्लस फोर वॉट अबाउट मैट मैट इज नॉट एप्लीकेबल वॉट अबाउट मैट मैट इज नॉट एप्लीकेबल येस अच्छा जी सर स्पेशल इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट प्लस टेन परसेंट सर चार्ज प्लस फोर परसेंट सेस तो जो स्पेशल इनकम है

इट नीड नॉट टू बी ए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनी एनी कंपनी तो बताइए एकत्वम प्राइवेट लिमिटेड कैन ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए एस इवन दो दे आर इन टू एजुकेशन कुछ सेक्शन के डिडक्शन छोड़ने होंगे कुछ सेक्शन के डिडक्शन छोड़ने होंगे बताइए पहचानते हैं आप पीजीबीपी में क्या क्या छोड़ेंगे लिस्ट याद करो एडिशनल डेप्रीसिएशन साइंटिफिक रिसर्च थर्टी फाइव ए डी सी एस थर्टी फाइव ट्रिपल सी यस थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए थर्टी टू ए डी नेक्स्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए थर्टी फाइव यहाँ पे एक लिस्ट में एड हो रहा है थर्टी फाइव सी सी डी सी सी डी इज़ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अ बेनिफिट विच इज़ अवेलेबल ओनली टू कंपनी एज असी थर्टी फाइव सी सी डी भी इस लिस्ट में क्या हो गया एड हो गया बिकॉज दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू कंपनी एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट रिसर्च एक्जशन में क्या छोड़ना होगा अब सोच के देख, 1032 तो आ नहीं सकता क्योंकि माइनस इनकम है नहीं MPMLA का अलाउंस भी नहीं है मतलब सिर्फ एक ही बसता, 10AA, है, ठीक सैलरी कंपनी को आएगी नहीं एचपी कंपनी को आएगा नहीं याद आ रहा है क्या? कैपिटल गेन है नहीं फैमिली पेंशन आती नहीं यानी सिर्फ पीजीबीपी एग्जाम डिडक्शन में कौन सा चैप्टर सिक्स से छोड़ दो एक्सेप्ट एटी एक्सेप्ट ए आई ए टू आर आर बी जिसमें मुख्य तौर पे क्या क्या आता है एटी एल ए आ जाएगा ए आ जाएगा yes. ATJJ, आ जाएगा, जाएगा मुख्य तौर पे ये. आने वाले ब्रॉड फॉरवर्ड हो सकते हैं नहीं बाकी सब कट कॉपी पेस्ट है डेप्रीसिएशन कैन बी क्लेम्ड एडिशनल डेप्रीसिएशन कैन बी क्लेम्ड चलिए ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट नॉट बी सेट ऑफ नॉर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं डोमेस्टिक्वेंटी थर्टी परसेंट डिपेंडिंग अपॉन टर्न ओवर न्यू स्कीम हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट क्लियर है बी बाद में देखेंगे आ जाओ पहले एक एक लिखो यू नो यू हैव ऑप्शन इन रिटर्न सो एवरी टाइम यू नीड टू फाइल दैट कॉलम इट्स मैंडेटरी कॉलम आ रहे assess domestic company tax rate twenty six twenty five point one six eight percent that is twenty two percent of tax plus surcharge at the rate of 10 percent Plus HEC at the rate of 4%.

फॉलोइंग डिडक्शंस नॉट अलाउड फॉलोइंग डिडक्शन्स नॉट अलाउड बताओ पीजीबीपी की लिस्ट एग्जामिशन की लिस्ट डिडक्शन की लिस्ट चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो क्या चलो फिल इन द ब्लैंक्स करो खुद पे भरोसा करो लिखो 35 फाइव सी सी डी एडेड यहां पर ना डिडक्शन में एक और है एटीएम एम क्या है एटीएम इज अ डिडक्शन आपने इंटर में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आया ही अभी अभी है एटीएम टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी से आया है इज अ डिडक्शन विच इज अवेलेबल टू कंपनी वेन इट पेज डिविडेंट सो इफ अ कंपनी रिसीव डिविडेंट एंड अ पेज डिविडेंट रिसीव डिविडेंड एंड पेज डिविडेंड एटीएम का डिडक्शन मिलता है सो वो मिलते रहेगा इनको तो यहाँ स्पेसिफिकली क्या ऐड हुआ है सीसीडी हैज बीन एडेड इन योर लिस्ट एटीएम हैज बीन एडेड इन योर लिस्ट लॉसेज एंड Unabsorbed depreciation related to above cannot be claimed. Mat is not applicable, hence, mat credit. Cannot be used. MAD is not applicable, hence MAD credit cannot be used. <coughs> Once option is taken, it is mandatory. Once option is taken, it is mandatory. Is this done? So, domestic company 25.168% lagega special income shall be taxed लगेगा Special rate revision number 2 special income shall be taxed at Special rate शैल बी टैक्स डेट स्पेशल रेट कौन से डिडक्शन नहीं लेने हैं कट कॉपी पेज जितते हम लोगों ने पहले पढ़े थे कोऑपरेटिव में वो इसमें बस दो एड हो रहे हैं जिनको आप ले पाओगे जिनको आप नहीं ले पाओगे बताओ कौन सा 35 फाइव आप नहीं ले पाओगे बट ए ले पाओगे क्लियर है हाँ जी इनसे रिलेटेड लॉसेस एंड एन एप्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे मैट एप्लीकेबल नहीं है तो मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा एंड आपने एक बार ऑप्शन ले लिया तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा मैंडेटरी हो जाता है ये yes ऑनो no? चलो जी डन आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर लास्ट सेक्शन इन द सीरीज 115 एंड बी ए बी दिस सेक्शन इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्न विथ 115 एंड ए बी वहां कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग था यहां डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है यहां क्या है बोलो मालिक जल्दी से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर, अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा यू uh, नो you know, तभी आपको ये ऑप्शन लेते जमेगा कुछ चीजें कॉमन मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता चलो लिस्ट रिवाइज करो छह आइटम थे माइनिंग गैसरी, गैसरी फिल मार्बल सिंडू स्लैब्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिनेमाटोग्राफिक फिल्म प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एनी अदर याद आ गया तुमको राइट <laughs> right? वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो डोंट यू थिंक मैन्युफैक्चरिंग चालू होना चाहिए इट शुड भी रजिस्टर्ड आफ्टर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन एंड ऑब्वियसली टू थाउजेंड नाइनटीन क्यों क्योंकि सेक्शन टू थाउजेंड नाइनटीन से आया था कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड आफ्टर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन इट शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिफोर टू वापस वही काम किया इन्होंने अब यही काम करने की वजह से क्या करते हैं हर साल अमेंड करते हैं लास्ट टाइम इस सेक्शन में लिखा था ट्वेंटी इस साल अमेंड करके कर दिया ट्वेंटी हर साल बस यही करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट वाई डोंट यू राइट स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग विद इन वन ईयर ऑफ सेटअप सिंपल है क्या जबरदस्ती टाइम पास करते हैं अच्छा जी सर मेरे को एक और बात बताइए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला टैक्स रेट होगा 17.16% परसेंट अदर एक्टिविटी से आने वाला इनकम 25.168% परसेंट आई होप दैट मेक सेंस टू यू नाउ स्पेशल इनकम इज टैक्स डेट स्पेशल रेट वो तो कह क्वेश्चन ही नहीं है उसको तो हम तो बात ही नहीं कर रहे अगर एओ ने पकड़ लिया कि क्लोज कनेक्शन के कारण आपका यू नो प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट हो रहा है डोंट यू थिंक इट विल बी टैक्स डायरेक्टली एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट यहाँ पे भी कट कॉपी पेस्ट है समझ में आई बात एक और चीज इससे आने वाला लॉस और अनएब्जर्व एप्रीसी ना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू हालांकि दो को न्यू माना जाएगा इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ऑफ सेकंड प्लानरी डॉट एक्सीड द टोटल वैल्यू ऑफ प्लानरी गेटिंग तीन घंटे से लगातार मेहनत करे जा रहे हैं ना तब जाकर के तुमको क्लियर कट हाँ यारे, 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 यारे। और सोच करके देख इवन दो दीज आर मैंडेटरी नाउ ये तेरे को पहले में पढ़ा सकता था क्या इनकम टैक्स स्पेसिफिकली डीटी इज मोर ऑफ अ लॉजिक आप पहले क्या पढ़ते हो उसके बाद क्या पढ़ते हो इट देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त कोई और टीचर के साथ यू नो पर्टिकुलर एक्स चैप्टर पहले पढ़ रहा होगा बिलीव मी वेन इट कम्स टू लिंकिंग ऑफ एवरीथिंग ना वो आपके जितना भारी लिंक नहीं कर पाएगा क्योंकि लिंकिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट डीटी का जो क्वेश्चन होता है ना वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आता ही नहीं

उसको पहले ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए पहले ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए आइए पहले 115 एंड फिफ्टीन निपटा देते हैं 115 एंड फिफ्टीन बोलो रे बच्चों जल्दी से बताइए फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग लिखो या इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लिखो चलो जल्दी से एस एस सी पॉइंट नंबर वन एस एस सी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बराबर है हाईलाइट दिस पॉइंट नंबर टू मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड मैं नहीं लिख रहा तुम लिख लो ए बी सी डी ई एफ चलो लिखो फिर मैं लिखूंगा पहला माइनिंग दूसरा कन्वर्जन लिख रही है कन्वर्जन ऑफ मार्बल स्लैब्स इनटू बोल मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स तीसरा रिफिलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर फोर्थ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और मीडिया जी एनी अदर स्पेसिफाइड राइट टैक्स रेट्स मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं यहां पे चार बना दू इनकम आउट ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग 17.16 परसेंट वेर इन फिफ्टीन परसेंट प्लस सर चार्ज ऐट द रेट ऑफ 10 परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ 4 परसेंट सॉटडे पहला हुआ मैन्यूफैक्चरिंग दूसरा क्या हुआ अदर इनकम अदर इनकम में मैं डिविडेंट और एचपी डाल दूँ ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट कैसे आया बस वो नहीं समझ रहा है ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट तीसरा आया स्पेशल इनकम स्पेशल रेट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट बराबर है एओ क्लब्ड द इनकम बिकॉज ऑफ क्लोज कनेक्शन दैट कम्स टू थर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट प्लस एचईसी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट इफेक्टिव टैक्स रेट 34.32 परसेंट आपके मन में सवाल उठेगा सर बी ए ई में भी ऐसा ही होगा वैसे ही होगा मैंडेटरी सर चार्ज है चाहे तो वहाँ जाके प्लीज अपडेट कर दीजिए रादर अपडेट कर ही दीजिए चाहे तो नहीं अपडेट कर ही दीजिए एक मिनट के लिए यहाँ से भी डाइवर्ट हो रहा हूँ थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट वहां पे तो बी ए सी में सरचार्ज ही पचास से ऊपर लगता ना इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट देना कोई सेंस नहीं बनता ना मतलब उनपे बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा कंपनीज तो वैसे ही हाई रेट ऑफ टैक्सेशंस पे है एवरीबाडी यस और नो फोर्थ अदर पॉइंट्स इसके अंदर में रोमन वन फॉलोइंग डिडक्शन्स आर नॉट अलाउड टू बी टेकन फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड टू बी टेकन बताओ कौन कौन से पी जी बी पी में कुछ होंगे एग्जामिशन में कुछ होंगे डिडक्शन में कुछ होंगे ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट एट्टी जे जे ए एटी एल ए एटीएम कट कॉपी पेस्ट ही करना है हमने कुछ नहीं करना है एग्जामेशन अंडर सेक्शन टेन डबल एग्जामेशन अंडर सेक्शन टेन डबल ए Then, चलो पीजीपीपी की लिस्ट लगाओ फटाफट सबसे पहले एडिशनल डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी टू वन सेकेंड साइंटिफिक रिसर्च मेरे हिसाब से अब तुमको ये इतने बार याद हो गया है कि अब तुमको अगर रात में चद्दर खींच के भी पूछेगा तो तुमको पता रहेगा ये, ये लिस्ट में लिख दे एक साथ थर्ड स्पेसिफाइड बिजनेस सी देखो ये एक फर्क होता है मालूम आपको राइटिंग एंड नॉन राइटिंग ऐसा हो सकता है फाइनल में आप एफ पढ़ रहे हो एस पढ़ रहे हो आपने वहां पर राइटिंग किया ही नहीं होगा आफ्टर वन पॉइंट क्या होता है मालूम आपको वो बोर हो जाता आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थेरी लगने लग जाता एंड यू एंड अपड यू एंड अप लूजिंग द इंटरेस्ट और यही फेस टू फेस जो बच्चा बैठा है यहां पर इनफैक्ट जो यहाँ पे फेस टू फेस बच्चा बैठा है उसके पास ऑप्शन ही नहीं उसको ध्यान लगाना ही पड़ता मैं हमेशा कहता हूं फाइनल अगर तुम क्लास कर रहे हो ना फेस टू फेस मिल रहा है उसको छोड़ने का ही नहीं कुछ भी हो जाए छोड़ने का ही नहीं फोर्थ बोल बेटा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 स्किल डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन थर्टी फाइव सी सी डी सिक्स बोलो बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए और कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये जो आपने लिखा है काम करो इसका पीडीएफ भेज दो बिलीव मी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है करने में मेरे को सिर्फ यहां से एक ऑप्शन ऐड करना है कन्वर्ट इन टू करना है पर जो तुम गलती तब भी कर दोगे ना वो ये है कि फिर क्या मतलब हुआ तुम्हारा तुम बाकी सब्जेक्ट्स में भी वही कर रहे हो यही और मैं आपको बताऊं डीटी बहुत लेंदी पेपर आता है लिखने की हैबिट अगर नहीं रही तो तुम हंड्रेड मार्क का पेपर ही कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो ऑब्जेक्टिव इज टू राइट रादर देन प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना अब वो तो मैंने नोट्स में ही दिया है फिर तेरे को इतनी मेहनत करने का काम ही क्या है हाँ बोलो और कुछ भी है नहीं यारेखा तो और होगा चलो योगे पहला दूसरा इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड कुछ याद आ रहेगा स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन थर्ड इट शुड बी रजिस्टर्ड आफ्टर वन टेन टू थाउजेंड नाइनटीन साहब वन टेन टू थाउजेंड नाइनटीन ऑर्डिनेंस पास करके लाया था याद आ रहा है बेसिक एंड मस्ट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये अमेंडमेंट है पहले यहां पे ट्वेंटी थ्री लिखा होता था अब यहाँ पे ट्वेंटी फोर लिखा है इट शुड यूज न्यू प्लांट एंड मशीनरी New plant and machinery includes plant and machinery imported into <coughs> India. Point number two hmm. Second hand plant and machinery, if its value does not exceed twenty percent of total value of plant and machinery. है, खत्म नहीं हुआ है रुको एक कंडीशन और ऐड हुई है इट शुड नॉट यूज द बिल्डिंग अर्लियर यूज एज होटल और कन्वेंशन सेंटर whose deduction is claimed under section 80id it should not use the building earlier used as hotel or convention center कुछ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन एट्टी आई डी ये कंसेप्ट क्या है समझिए इफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ होटल और इट इज यूज्ड एज अ कन्वेंशन सेंटर यस इसका डिडक्शन मिला करता था एट्टी आई में एक सेक्शन हुआ करता था एट्टी आई इसका डिडक्शन मिला करता था एट्टी आई के अंदर में अगर आपने इस बिल्डिंग को यूज किया है बिकॉज ऐसा क्या होता था आपको बताएगा ये जो मैनुफेक्चरिंग यूनिट वाले हैं ये नया लैंड नहीं लेते थे ये क्या करते थे अर्लियर कन्वेंशन सेंटर अब नहीं चल रहा एक काम कर लो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू करो होटल नहीं चल रहा यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू कर दो उनने बोला ये भी नहीं चाहिए लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ काल लाया है हंड्रेड बी ए बी के अंदर में लेके आया है समझ में आ रही बात मेरे को नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था क्योंकि ये प्रोविजन नहीं भी लाते तो भी बीन अर्लियर यूज स्ट्रक्चर अलग होता है मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाला स्ट्रक्चर अलग होता है आई डोंट नो वाई द्रॉटअप दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कोई सेंस नहीं बनता अब प्रिमाइस विच बीन यूज एंड कन्वेंशन सेंटर तुमको भी ठंडी लग रही है दो मिनटा

पार्ट दे हैव एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्टेड दिस पर्टिकुलर पार्ट कि भैया तुम ये नहीं करोगे समझ में आ रही बात एक पॉइंट मैंने कहीं पढ़ा था एक पॉइंट मैंने कहीं पढ़ा था जियो कन्वेंशन सेंटर्स ये प्रोविजन जब लाई गई थी ना इट वॉज सेड कि भैया ये जियो कन्वेंशन सेंटर को रिस्ट्रिक्शन के लिए लेकर के आए हैं कि भैया अर्लियर अगर तुमने ये स्पेस को कन्वेंशन सेंटर या होटल बोल करके यूज किया है तो अब तुम उसको मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग नहीं दिखा सकते अदरवाइज इट कि जहां पे आज जियो कन्वेंशन सेंटर है वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ जाता बिकॉज इट इज इन द हार्ट ऑफ बी के सी समझ में आ रही बात तो ये प्लान था सरकार ने कहीं ना कहीं ये ला लिया जिसके कारण वो कन्वेंशन सेंटर बन पाया और आज इंडिया का नाम रोशन कर रहा है बट इट वॉज डोंट नो यही उसका सही लॉजिक है या नहीं है हाँ जी

तो देर इज अ अर इज अ बुक कॉल्ड एज मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल कहां मिलता है मैं तुमको बताता हूं इधर आओ ये जो अपना इंडिया बजट का वेबसाइट है ना इंडिया बजट का वेबसाइट जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के दिन भी दिखाया था इंडिया वेबसाइट के नीचे देखो इधर दिखेगा मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल तो जो भी सरकार ने नए प्रोविजन लेके आए हैं वो यहां पे उसका रीजन लिख करके देते कि भैया क्या इशू था जिसके कारण हमने ये करना

क्या सिचुएशन थी और इसके बाद क्या हुआ मतलब टेक्निकली अगर तुमको भी कभी जानना है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्यों लाई है क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूं इसका यूज कहां आएगा तुम्हें एग्जैक्टली exactly मैं तुमको समझाता हूं वंस यू बिकेम प्रोफेशनल नो सी बन गए सीएमए बन गए इसके बाद तुमको क्या किया जाएगा तुम्हारे इंस्टीट्यूट द्वारा अलग अलग सेमिनार में एज अ स्पीकर बुलाया जाएगा अब स्पीकर बोल करके तुम अगर कहीं जाओगे तो टेक्निकली वहां पे बैठे लोग तुमसे ये सवाल पूछ सकते हैं तब you must know कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ आज मैं आपको जब पूरी हिस्ट्री बताता हूं किसी भी तो वजह से फिर ये लॉ इस तरह से बना तो आप देखो हम जितने सेक्शन पढ़ रहे हैं उसका पूरा हिस्ट्री मैंने तुमको पहले एक्सप्लेन किया तब जाके तुमको सेक्शन बहुत क्लियर हो पा रहा है यहां ये इसका लॉजिकल रीजनिंग था वो यहां से आता है यस मैं आपको एक और बात बताता हूं देखना आपके ऑफिस में एक बुक सर्च करना आपके ऑफिस में कौन कौन सी बुक दिखेगी विल फाइल इनकम टैक्स एक्ट फाइंड इनकम टैक्स रूल्स बराबर है इसके अलावा तुमको एक और बुक दिखेगी इनकम टैक्स मैन्य सर्च करना इनकम टैक्स मैन्युअल करके एक बुक होगा इनकम टैक्स मैनुअल किसी भी सेक्शन पे आए अब तक का पूरा सेक्शन मतलब 1922 में क्या था फिर 1961 में वो लॉ आया तो क्या बदला फिर कई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए तो क्या बदला इस सेक्शन के अंदर में? फिर सर्कुलर और नोटिफिकेशन निकला तो इस सेक्शन में क्या, बदला? End, आज इस के में क्या टैक्स में बन सकती है इतना सब लिखा होता है तो, और तो फिर हम कह को दिमाग लगा रहे। ता वो इस बुक पढ़ने का, नहीं उस का सब कुछ मिलेगा बिल्कुल ट्वेंटी फोर बुक्स कितनी बुक्स है ट्वेंटी फोर बुक्स है सर एक बुक कितने पेजेस की है रुपए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि टोटल कॉस्ट आता है करीब ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड अगर तुम आ, सबसे बड़ा ले रहे हो तो इट वेरीज ऑर्थर टू ऑर्थर पर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टोटल आता है एक एक बुक जो है ना करीब करीब डेढ़ डेढ़ हजार पेज का है और बेस्ट पार्ट तुमको पता है पांच साल में एक बार निकलता है मतलब ये बुक हर साल नहीं निकलता पांच साल में एक बार निकलता ऑब्वियसली इतना कंपाइलेशन करेगा कौन और इसमें मैं तुम्हारे को बताता सुप्रीम कोर्ट लॉयर जिनका बारे में जिनकी स्टोरी आप सर्च करिएगा uh, इतने महान आदमी इंदिरा गांधी जी को भी इनके सामने दो बार झुकना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के अब तक के बेस्ट लॉयर एंड डायरेक्ट टैक्सेस में यू you नो know, अपनी कमेंट्रीज जिसको बोलते हैं डी कमेंट्रीज बोला जाता है जिसको मैनुअल के तौर पे भी पढ़ा जाता है या डीटी टी कमेंट्री नाम का पढ़ना आपके ऑफिस में ये बुक होनी मैंडेटरी है मतलब आप मान के चलो ये मैंडेटरी है क्योंकि क्लाइंट का कब कौन सा साल का क्या केस निकले इसीलिए सी के ऑफिस में हर साल के न्यू इनकम टैक्स तो आते ही आते हैं हर पाँच साल में उनके ऑफिस में एक बुक बदलती है और वो है इनकम टैक्स कमेंट्रीज या इनकम टैक्स मैनुअल्स पाँच साल में एक बार निकलती है और इसमें सबसे फेमस जो ऑर्थर है वो है नानी पालकी वाला नानी पालकी वाला सर के बारे में आज जाकर के यूट्यूब पर पढ़ना फैन हो जाओगे उस आदमी के कि भाई ये वो आदमी था जिसने इंदिरा गांधी जी को मतलब दो बार लिटरली मजबूर कर दिया यू नो अपने नॉलेज से मजबूर कर दिया लिटरली अपने नॉलेज से ये वो व्यक्ति है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को दो बार चेंज करवाया इंडिया में इतना जबरदस्त नॉलेज वंस इन अ डिकेड ऐसा कोई व्यक्ति आता है और आज आ, इस बुक को क्योंकि नानी पालके वाला सर का डिमाइस हो गया आज इस बुक को ना सुप्रीम कोर्ट के अनादर फेमस लॉयर कंपाइल करते हैं आ, दाते सर आज वो क्या करते हैं वो इसको कंपाइल करते हैं बट ये इतना बड़ा कंटेंट है कि इसको पांच साल में एक बार कंपाइल किया जाता है यस yes, मतलब मैं आपको हंड्रेड परसेंट बता रहा हूँ मेरे अलावा बहुत फ्यू डी के टीचर ऐसे रहेंगे जो आपको इतना डिटेल में बताएंगे कि किस बुक को तुमको लेना है तो टेक्निकली आफ्टर बींग प्रोफेशनल आफ्टर बींग प्रोफेशनल ठीक है ये सेक्शन को मैं दो मिनट बाजू कर रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन आया है इसके लिए आफ्टर बींग प्रोफेशनल आपको सबसे पहले जो लेना है वो है डी टी ये आपके पास होगा होना ही चाहिए डी टी या कमेंट्रीज बराबर है ये एक वन टाइम कॉस्ट है तुम्हारा पांच साल में पर कर लेना तुम्हारे ऑफिस में यह होना ही चाहिए बराबर है आप बोलोगे आप बोलोगे सर ये होना ही चाहिए क्यों क्लाइंट से रिलेटेड चीजें और वैसे भी तुमको क्यों टेंशन लेना है बुक्स इज कंसिडर्ड एज एंड मशीनरी एंड एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन तो तुमने दिमाग नहीं लगाने का दूसरा जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए वो ऑब्वियसली एक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली रूल्स होने चाहिए ये तो हर साल चेंज हो गई होगा इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है बराबर है तुमको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए इफ़ यू विश टू बी स्पीकर मेमोरेंडम तुमको पढ़ना पड़ेगा हर साल का बराबर है बजट कमेंट्रीज या मेमोरेंडम्स आते हैं वो तुमको पढ़ने पड़ेंगे यस yes. अगर तुम फ्यूचर में चल के टैक्स टीचर भी बनना चाह रहे हो तो तुमको इतना सब पहले पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज तुम टैक्स टीचर तो बन जाओगे बट आपका मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ यूट्यूब पे रिविजन करवाना रह जाएगा समझ में आ रही है बात फिर वो कोर टीचिंग बहुत दूर हो जाता है बात समझ लेना पांचवा पांचवा आप एक और चीज पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सेस में मतलब जो आपके पास बहुत जरूरी चीजों के अंदर में आता है वो क्या आता है मैं आपको बता दूं एनीवन आपके ऑफिस में देखो कुछ बुक्स है कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ये हर दो साल में कंपाइल होते हैं मतलब टैक्समैन ही करता है इनमें सबसे बड़ा पब्लिशर इन सारी चीज़ों का टैक्समैन है पर टैक्समैन के अलावा भरत पब्लिकेशंस भी आता है बट टैक्समैन बहुत कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को लेकर के आते हैं यस yes? जैसे मैं आपको बता दूँ देखो दिख रहे तुमको इनकम टैक्स कमेंट्रीज ये देखो कमेंट्री के कॉम्बोस ये आपके ऑफिस में एक साथ आते हैं बट मैं आपको एक बात बताऊं ये देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको दो बड़े ऑर्थर है इसमें एक है संपत एंगर आपके ऑफिस में ये दिख सकती है क्योंकि ये यू नो कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब आपको चौबीस बुक नहीं पढ़ना तो आप ये तीन बुक पढ़ लो मतलब ये उस बुक का समरी है पर ये समरी बुक भी 6000 हजार पेज का है आपके ऑफिस में ये ये दिखेगा मतलब ये आपको दिखेगा दूसरा ये इनकम टैक्स एक्ट आपको दिखता ही दिखता है रूल्स आपको दिखते ही दिखते हैं है। ये बात तो है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे बाई डिफॉल्ट में तो संपत एंगर का ये जो बुक है ये आपको दिखेगा और एक मिनट <coughs> टैक्स प्लानिंग भी दी रहती है टैक्स प्रैक्टिस इसके अलावा अब आपकी इच्छा हो रही है सर मेरे को एक बात बताओ देखो ये जब पढ़ूंगा मैं तो पढ़ लूंगा पर हर साल में अपडेट होने के लिए तो कुछ दे दो हर साल अपडेट होने के लिए तो कुछ दे दो हर साल हम आपका क्लास तो लगाएंगे नहीं नो डाउट आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे पर हर साल हम इधर तो आएंगे नहीं बराबर है सी बनने के बाद जॉब पे रहे सिर्फ अपडेट करना है अब मान लो मैं जॉब पे हूं मेरे को इतना बड़ा कमेंट्रीज पढ़ के काम ही नहीं मेरी कंपनी का इनमें से कुछ नहीं है एक्ट और रूल्स मेरे को इतना सब नहीं पढ़ना मेरे को सिर्फ समझना है चेंज कहाँ हुआ है आपके बुक में आपके पास छठवीं चीज मिलेगी रेकनर डायरेक्ट टैक्स का रेकनर आता है रेडी रेकनर बोलते हैं इसको डीटी रेडी रेकनर बजट आते ही मैक्सिमम पीपल जॉब्स अपने आप को अपडेट रखने के लिए सिर्फ रेकनर पढ़ते हैं सर मतलब बनने के बाद में में पढ़ना पड़ेगा ही मुस्कुराइए आप उस कोर्स जहां पढ़ना जीवन भर है नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और एक आउटडेटेड प्रोफेशनल की मार्केट में लॉजिकली वैल्यू नहीं होती तो अगर आपको ऐसा दिल से लग रहा है कि बस अपन ने पढ़ लिया काम कदम पढ़ाई से छुटकारा गलत पढ़ना आपको जीवन भर है एग्जाम्पल दे दू हम जब सी कर रहे थे कंपनीज एक्ट था 2013 पढ़ना पड़ा हम जब पढ़ रहे थे एक्साइज था जीएसटी पढ़ना पड़ा समझ में आ रही बात तो आप इस कोर्स में जहां पढ़ना जीवन भर है और तभी आपके नॉलेज के वैल्यूज भी है ऑब्वियसली तभी आपके नॉलेज के वैल्यूज भी है सर तो एक टैक्स प्लानिंग नाम का बुक आता है वो भी आपके काम का है टैक्स प्लानिंग नाम का भी एक बुक आपके ऑफिस में जरूर दिखेगा पर वो आपके काम का नहीं है क्योंकि टैक्स प्लानिंग किताबों में जो टैक्स प्लानिंग दिखती है ये वो प्लानिंग होती है जो पिछले कई सालों से हो गई है ये वो नहीं दिखती जो आप कर सकते हो समझ आ रही है बात क्योंकि आपको क्लियर कट छाप के दे देंगे तो सरकार के पास क्लियर इनपुट दिख जाएगा कि क्या करना है तो वो नहीं होता समझ के चलिएगा समझ में आया कौन सी बुक का क्या काम है मेमोरेंडम क्या बताता है बताओ रीजन फॉर अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट पर आपको हर सेक्शन का भी मेमोरेंडम नहीं दिखेगा जैसा कि अभी मैंने बोला वाई दे हैव ब्रॉट बिल्डिंग इन टू दिस क्राइटेरिया देर इज नो लॉजिक टू इट एज अ टीचर ही वो मेरे को नहीं जम रहा समझ आ रही है बात तो सेम चीज है वो हर चीज का भी लॉजिक नहीं देंगे उनको जो लग रहा है कि हमको ये एक्सप्लेन करना है हम एक्सप्लेन करेंगे हर चीज का एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है समझ में आ रही बात चलो आ जाओ हाँ जी नेक्स्ट <coughs> इसके अंदर ही सिक्स लॉसेस एंड अनएबजॉर्ब डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू अबव डिडक्शंस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड Mat not applicable. Mat credit cannot be utilized. Mat is not applicable. Mat credit cannot be utilized. इज दिस डन चलो आपको तो पता है पढ़ने के बाद मैं दो बार पढ़ा दू उसके बाद एक बार आपको पढ़ना पड़ता है चलो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए बी ए बी चलो रिवाइज करो मेरे साथ फटाफट क्विक हाँ पहला क्या पढ़ेंगे हम हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए फिर पढ़ेंगे हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए चल 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 बेटा रिवाइज कर फटाफट हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए के लिए डोमेस्टिक कंपनी टैक्स रेट 25.168 परसेंट यस अच्छा जी डिडक्शंस कौन से नहीं ले पाएंगे कॉमन है पीजीबीपी के चैप्टर सिक्स ए के एन एग्जामेशन वाले नहीं ले पाएंगे आई एम श्योर आपको लिस्ट याद है लॉसेज एंड ऑफ डिप्रिसिएशन रिलेटेड टू अबाउ के नॉट बी क्लेम मैट इज नॉट एप्लीकेबल हिंस मैट क्रेडिट के नॉट बी यूज ऑप्शन वन एक्सरसाइज के नॉट बी विड्रॉन यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी के लिए है मैन्युफैक्चरिंग का लिस्ट सेम है जो बीएई के अंदर में दिया हुआ है टैक्स रेट्स जो है यहाँ पे चार है मतलब यू नीड अ क्लियर कट क्लासिफिकेशन यू नीड अ क्लियर कट क्लासिफिकेशन कि भैया कौन सी इनकम क्या है इशू कहां आएगा असेसमेंट करते वक्त आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में डालना चाहेंगे यस इसको अदर में डालना चाहेगा यही इशू आता है बाकी कहीं इशू नहीं आता रियल लाइफ में डिडक्शन की लिस्ट कॉमन है बी ए बी बी ए ए के अंदर में प्लांट एंड मशीनरी इसमें न्यू यूज होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले चालू होना चाहिए लॉसेज एंड एन एबजॉर्व एप्रीशिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे मैट इज एप्लीकेबल एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड कर दो एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर में और ऐड कर दो बोलो कौन सा वंस ऑप्टेड नॉट बी विद्रॉन वंस ऑप्टेड कैन नॉट बी विड्रॉन क्लियर है oh. अब अगर आप देखेंगे एक बार चेक कर लीजिए हमारा चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन में सबसे पहले आकर के हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी सी एस ऑन नो हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने आपको स्कोप ऑफ इनकम टैक्स पढ़ाया फिर आपको लॉ कैसे वर्क करता है अमेंडमेंट कैसे आता है ये बताया फिर इनकम टैक्स ने खुद के ही ऊपर पावर ले लिया कि भैया हम बार बार पार्लियामेंट को नहीं बुलाते बैठेंगे कुछ डिफिकल्टी डिफिक्टिया हम ही सॉल्व कर देंगे फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी थी आर्टिकल 265 आर्टिकल 246 एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 46 सरचार्ज कैसे लगाते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल टैक्स कैसे डिवाइड होता है उससे रिलेटेड आर्टिकल टैक्स के दो पार्ट थे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म किया बजट की एप्लीकेबिलिटी कब से आती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बजट जनरली एक ही आता है इलेक्शन ईयर में कितने बजट आएंगे दो इन 2024 दे विल ब्रिंग अप टू बजट इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद वो बजट आपके मे जून 24 नवंबर दिसंबर फोर का कोई काम का नहीं है वो 25 वालों के लिए काम का है समझ में आ रही बात वो तुम्हारे काम का नहीं है फिर हमने सेक्शन फोर in के एक वर्ड पे थे हम हम कहा है सेक्शन फोर पे क्या हम सेक्शन फोर पे हाँ आप सेक्शन फोर से इतने सेक्शन के आए हो पूछो कैसे सेक्शन फोर का वर्ड लिखा था इनकम टैक्स पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट को पकड़ के हम इतने सेक्शन पढ़ के आए हैं समझ मारी बात रेट को पकड़ के हम इतने सेक्शन पढ़ के आए हैं फिर पर्सन पढ़ा असेसी पढ़ा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पढ़ा ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम पढ़ा डिडक्शन पड़ा इनकम पढ़ा फिर न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम ओल्ड स्कीम के अंदर के पहले रेट्स पढ़े फिर बी ए सी बी ए बी ए बी बी ए बी ए डी समझ में आया क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने तो हम यहां थे टैक्स में और इस चक्कर में आगे के सबसे पहले ओल्ड स्कीम पढ़ा फिर सारे के सारे ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स पढ़े हम लोगों ने यस सारे के सारे ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम पढ़े यहां इसके शॉर्टकट भी दिए हैं ये देखो बी ए बी के शॉर्टकट क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग बी ए ए के शॉर्टकट्स क्या है ये मिनट यहां पे ये वर्ड चेंज हुए ऑप्टिंग न्यू ट स्कीम नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए यहां पे ये एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए वर्ड ऊपर नीचे हुआ है नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट कॉमन रेट मैन्युफैक्चरिंग में है तो पंद्रह परसेंट बाईस परसेंट या तीस परसेंट अकॉर्डिंगली प्लस सरचार्ज एंड एच अलग से कुरेशी का जजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इीगल इनकम इज एन इनकम आप अगर अभी आए हैं तो प्लीज जाकर के चेक कर लीजिएगा याद होगा तो ये वही सारे हैं जिन पे हमने मार्जिनल रिलीफ किया ये वही सारी इनकम है जिन पे हमने मार्जिनल रिलीफ किया इंडिविजुअली नीचे सारा वापस से सॉल्व भी किया है इंडिविजुअली वापस से नीचे पूरा का पूरा सॉल्व भी किया है यहां कुछ क्वेश्चन है 115 एंड से रिलेटेड होल्ड ऑन हम पहले हेड्स वगैरह बाकी चीजें पढ़ के आएंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे वापस से एंड आई थिंक हम लोगों ने ये टैक्स कैलकुलेशंस तो ऑलरेडी क्या कर दिए सॉल्व इसके कुछ सॉल्व क्वेश्चन बाकी है मैं जानबूझ करके उसको होल्ड कर रहा हूं पहले हम इन सेक्शन के पूरे क्लासिफिकेशन को पढ़ के आए फिर उसको देखेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम क्राइटेरिया तो चैप्टर नंबर वन में हमने कितने सेक्शंस पढ़े सिर्फ एक बार रिकॉल करते हैं चैप्टर नंबर वन के सिर्फ सेक्शंस रिकॉल करते हैं क्या हमने सेक्शन नंबर वन पढ़ा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट सेक्शन टू डेफिनेशंस सबसे पहले टू थर्टी वन परसेंट टू सेवन अस टू नाइन असेसमेंट ईयर यस टू फोर्टी फाइव टोटल इनकम ये ऑ नो इसके बाद सेक्शन थ्री पढ़ा प्रीवियस ईयर सेक्शन फोर पढ़ा बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन फोर पढ़ा हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज फिर हम लोगों ने टू <coughs> ट्वेंट एक मिनट यहाँ टू ट्वेंटी फाइव ए बी पढ़ा इंडिया इंडिया का डेफिनेशन यस yes. फिर सेक्शन फोर पढ़ा सेक्शन फोर पढ़ने के बाद हमने टू एटी एट ए टू एटी एट बी पढ़ा दैट इज राउंडिंग ऑफ हमने एट्टी सेवन ए पढ़ा और समझा सात लाख कॉमन रिबेट नहीं है पाँच लाख ओल्ड सिलेबस का सात लाख न्यू रेट का और सात लाख ,00 वाले में भी मार्जिनल रिलीफ याद आ रहा है फिर हम लोगों ने फिर हम लोगों ने कुछ और सेक्शंस पढ़े जिसके अंदर में आता है 115 एंड फिफ्टीन बी ए सी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए डी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी याद आ रहा है आपको इन सेक्शन को भी हमने क्या किया कंप्लीट किया इसके बाद हमने पढ़ा एट्टी बी ग्रॉस टोटल इनकम ये सो नो इसके बाद हमने पढ़ा एट्टी बी ग्रॉस टोटल इनकम ये वो सारे सेक्शंस हैं जिसको आप क्या कर रहे हो कंटिन्यूसली हमारे साथ पढ़े जा रहे हो ये सो नो इसके बाद याद होगा तो 224 इनकम का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा 224 इनकम का डेफिनेशन पढ़ा 298 पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज पढ़ा इस चैप्टर के अंदर में आपने 18 सेक्शंस खत्म किए मेरे साथ सिक्स 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 अठारह सेक्शन एक चीज हमने छोड़ी है क्या अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के जो क्वेश्चन है वो हमने छोड़े हैं आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं 115 एंड फिफ्टीन बी एसी हंड्रेड आप दोनों जो न्यू टैक्स स्कीम है बस उतना पढ़ के आना कल हम लोग क्या करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल हम लोग इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे जो सोल्व वाले हैं वो प्लस साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे हम लोग क्या करेंगे नया चैप्टर चालू करेंगे अब जरा ध्यान से सुनिएगा सुनो अगर आप देखोगे ये आपका चैप्टर्स है जो सिर्फ मॉड्यूल वन में है ये जो आपकी बुक है मॉड्यूल वन इसके अंदर में आपको क्या दिया हुआ है सर पूरे के पूरे तेवीस चैप्टर दिए हुए हैं सिर्फ मॉड्यूल वन के है. जो लोग गूगल ड्राइव पेन ड्राइव या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे आपको पहले दो बुक आएंगे मॉड्यूल वन और मॉड्यूल थ्री ये आपको सबसे पहले आ जाएगा मॉड्यूल वन में जानबूझ करके क्या करके रखा है होल्ड करके रखा है मैंने आपसे पहले ही कहा मैं वेट कर रहा हूं कुछ अपडेट्स का जो उसके अंदर में मेरे को डालनी है जैसे कैपिटल गेन से रिलेटेड चैप्टर है उसको मैं जानबूझ करके होल्ड कर रहा हूं क्योंकि उसमें अपडेट्स आते हैं बहुत बार ठीक है मैंने उसको होल्ड करके रख दिया मैंने अदर चैप्टर्स को होल्ड करके रख दिया हम पहले ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे जिनके अमेंडमेंट फिक्स है और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते इनके अंदर में यस yes? अच्छा जी इनमें मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि कौन कौन से एकदम इंपॉर्टेंट है मतलब एबीसी एनालिसिस वाले मैं चैप्टर आपको अभी बता दूं कि ये चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते ही आते हैं जैसे पहला हो गया बेसिक कैलकुलेशन आएगा ही आएगा दूसरा हो गया रिटर्न इन पे एक क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड ही रहता है यस तीसरा हो गया असेसमेंट प्रोसीजर ये थ्योरी है एग्जैक्टली होता क्या है जब आप रिटर्न भरते हो उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है ये यहां आता है लगभग लगभग इनमें से बहुत सारा पार्ट आता है देन इसके बाद आता है आपका सर्च एंड सीजर इनकम टैक्स में रेड्स किस तरीके से होती है रेट्स किस तरीके से कंडक्ट की जाती है इन चैप्टर्स का एक ही ड्रॉबैक आता है पता है क्या यहां से यहां तक यह पूरे थियोरी है जिनका हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आते हैं ये है थियोरी पर इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आते हैं बहुत ज्यादा इसके बाद में इंटरेस्ट इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं बी सी वाले वो इधर आते हैं इसके बाद आता है आपका ऑब्वियसली पीजीबीपी क्योंकि आपके टोटल इनकम के हर क्वेश्चन पीजीबीपी पे बेस्ड है yes, इसके बाद में सीधा आपका आता है uh, you know, TDS, जो मतलब use होता, ही होता है, पूरे आर्टिकल चिप तुमने टी पे ही काम किया है इसी बीच अगर आप देखेंगे कुछ चैप्टर्स यहां पे और है इन chapters को कहा जाता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज टैक्से टैक्सेशन ऑफ बाय बैक टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड ये सब के भी टैक्सेशन आपको दिए हुए इनको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज इनमें जनरली अमेंडमेंट नहीं आते तो जिन चैप्टर्स के अंदर में अमेंडमेंट नहीं आते आई हैव इंक्लूडेड उसको इसी चैप्टर के अंदर में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है आराम से फटाफट कंप्लीट भी हो जाते हैं प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के मिक्सचर रहते हैं इनमें सिर्फ ये जो पार्ट दिख रहा है ये थ्योरी वाला पार्ट है ये थ्योरी वाला पार्ट है बट बिलीव मी अगर आपका ये बिल्डिंग सबसे पहले बन गया तो आपको आगे के में पूरा लगता है। तो अगर आप देखेंगे आठ चैप्टर्स मतलब को क्या करता है कनेक्ट करता है इन आठ चैप्टर्स को पूरे लॉजिकल क्लस्टर में बांध के रखता है बराबर है इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे पीजीबी हो गया आ, टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट फाइनल लेवल पे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट ये आपको मॉड्यूल टू में देखने को मिलेगा और मॉड्यूल थ्री में है आपका इंटरनेशनल टैक्स जिनमें डी टी डब्लू एन टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइजिंग सबसे बड़े चैप्टर है ये yes सोनू no? आपके बिगेस्ट चैप्टर कौन कौन से है मैं आपको पहले बता दू मतलब वॉल्यूम वाइज जिसमें बहुत टाइम लगता है वॉल्यूम वाइज आपके बिगेस्ट चैप्टर कौन से है? सर आपका पीजीबीपी आपका कैपिटल गेन आपका टीडीएस, आपका ट्रस्ट आपका ट्रांसफर प्राइजिंग आपका एनआर टैक्सेशन ये आपके सबसे बड़े चैप्टर्स है मतलब अच्छा एक मिनट असेसमेंट प्रोसीजर सर्च एंड सीजर ये आपके बड़े टॉपिक है एकदम मतलब जिनमें अच्छा खासा टाइम लगेगा सर व्हाट अबाउट सैलरी एंड एचपी प्लीज प्लीज सैलरी और एचपी यू नो अब तक के ऐसा होता है पूरे इंडिया में नॉट जस्ट मी पूरे इंडिया के अंदर में सैलरी और एचपी जो होता है वो सबसे एंड में होता है और वो भी रिविजन के फॉर्म में होता है क्योंकि वो चैप्टर ना फाइनल लेवल पे पूछे जाते हैं क्योंकि अब तक आपको सच्चाई पता चल चुकी होती है कि सैलरी को कंप्यूट नहीं किया जाता पर हाँ मैं इसके आगे कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि बात धंधे की है बराबर है सैलरी आप कैसे कंप्यूट करते हो आपको भी पता है ना एक पेज आता है उस पेज को कट कॉपी पेस्ट हो जाता है दैट्स हाउ सैलरी इज कंप्यूटेड एंड एच के अंदर में तुम सिर्फ लॉस बुक करते हो इनकम नहीं इनकम इज टेकन इन कैश समझ में आ रहा है ना दिस इज द फैक्ट ये आपके बिगेस्ट टॉपिक है और बिगेस्ट होने के कारण ये टॉपिक आपके क्या बन जाते हैं इंपॉर्टेंट यही टॉपिक आपके क्या बन जाते हैं इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है बात कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले इस कल का सेक्शन बहुत स्पेसिफिक है कल हम इसके पहले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे एंटर कर देंगे यस yes? या फिर ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं आते ही फ्रेश नया चैप्टर पढ़ लेंगे और बाद में इसके क्वेश्चंस को देखते बैठेंगे वैसे भी वो सॉल्व है तो हमें सिर्फ देखना है उसको डने मालिक सी यू फॉर द डे बाय बाय टेक केयर